हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज का ये इवनिंग बहुत ही स्पेशल है, ये शाम हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, और इन स्पेशल इवेंट पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे साथ जो फेसबुक पे जितने भी लोग जुड़े हैं और आगे जुड़ने वाले हैं, सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्ते एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जैसे मैंने कहा, आज का दिन बहुत ही खास है। हम सब यहाँ शंकर महादेवन अकेडमी की 10वीं सालगिरह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, और इस सेलिब्रेशन में हम 10 for 10 नाम की स्पेशल सीरीज कर रहे हैं, जिसका आगमन आज हुआ है। ये एक स्पेशल ओकेजन है, तो डेफिनेटली हमारे साथ स्पेशल गेस्ट भी जुड़े हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बिलावड शंकर जी को कि हमें ज्वाइन करें और इस इवनिंग का आगाज करें। शंकर जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेलकम एवरीबॉडी। दिस इज सच अ स्पेशल ओकेजन। आज का जो ओकेजन है वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो एकेडमी है वो 10 साल कंप्लीट कर रहा है आज की तारीख से। और मैं हर एक शख्स से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं करना चाहूंगा, क्योंकि क्या है कि उनके बिना ये हो ही नहीं पाता था। हमने 10 साल पहले शुरू किया था और अभी 80 से ज्यादा कंट्रीज में है। वील टॉक अबाउट इट व्हेन दीदी कम्स ऑनलाइन। सो यू नो, आई'ड लाइक टू ब्रिंग ऑन एज टुडेज स्पेशल गेस्ट, समवन हुम द होल वर्ल्ड लुक्स अप टू। पूरा जो विश्व है उनके तरफ देखता है, इंस्पिरेशन लेते हैं। हम जैसे लोग स्टूडेंट्स हैं, लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स रहेंगे, और हम इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, लेते रहेंगे। एंड पूरे या मतलब इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ द साउंड ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, द डेफिनेशन इट इज डिफाइंड बाय टू वर्ड्स, दैट इज आशा भोसले जी। एंड टुडे वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट इनफ दैट शी हैज अग्रीड। नमस्ते दीदी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मतलब मैं ये बोल रहा था कि आप आके ये जो शुरू है हमारा जो 10 for 10 जो कार्यक्रम है, 10 दिन अलग 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 अलग, कभी हम ऑटिस्टिक बच्चों के साथ गाने वाले हैं, कभी हम मतलब जो है टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं उनके लिए गाएंगे, गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी गाना। तो ये आके शुरुआत आप आके आपने आशीर्वाद दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। बस शुरू में मैं एक गणेश वंदना गाना चाहूंगा। ये दिस इज अ डेडिकेशन टू यू, क्योंकि आप भी गणपति के भक्त हैं, मैं भी हूं। तो हम उनका आगमन करेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या होगा। ओके, तो आपके आपके आज्ञा से। ओके वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु ये इसी सुर में आप रियाज कर रही थी, मैं वही सुर पकड़ा, यही सुर था। आप भी माइक के पीछे आप, मैं हाँ आपका जो जोग राग मैं सुन रहा था, तो मैं सोचा कि वही सुर में तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो मंगलाय तनो ये मतलब ऐसे समझिए कि मैं आया वहां पर लोनावला में और आपको एक साष्टांग नमस्कार किया है, ये समझिए। यहाँ हम लोग स्क्रीन पे नहीं, आशीर्वाद। और मैं जानता हूं आपका आशीर्वाद मेरे सर पर हमेशा है, क्योंकि पहले दिन से आपने
हमें इतना प्यार किया है उसके लिए थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। पहला गाना मैंने आपका गाया था। हाँ यस, सुर मिली पहला गाना था, फिर नहीं गाया, लेकिन आपका इतना नाम हो गया तो मैं आपके लिए लकी हूँ। आप पूरे जग के लिए लकी हैं, और मैं वो अभी अभी उस मोमेंट के लिए रुका हूं कि आपके साथ, मैंने बोला भी है आपसे कि हम दोनों मिलके एक मतलब एक एल्बम अभी हम लोग करना ही चाहिए, और जब तक वो मैं नहीं करूं ऐसा लगेगा कि मैंने म्यूजिक में अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया। तो वेटिंग फॉर दैट दीदी। यस, तो बताइए कैसा चल रहा है आपका ये जो पैंडेमिक है, और जो आप मतलब लोनावाला में टाइम बिता रहे, तो कैसा कैसा लग रहा है, क्या क्या चल क्या रहा है आजकल? मैं आई थी 16 तारीख को 8 दिन के लिए, तो मतलब अपना घर छोड़ के, अपना ही है ये भी, ये बंगले में आई, तो बच्चों के लिए सब, मेरे लड़का बहू सब हम आए, 8 दिन के लिए हम आए थे, और लॉकडाउन हो गया, उसके बाद हम यहाँ अटके, तो अटक गए, अभी तक अटके हुए। लेकिन कोई संगीत नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, मतलब कोई सुनना नहीं, कोई मिलना नहीं, कुछ नहीं। तो ये बड़ी बहुत बड़ी सजा भगवान ने दी है हमको, कि जो गाने बजाने वाले लोग हैं उनसे सुनना नहीं होता है, कुछ नहीं, पार्टी नहीं, पार्टी मतलब जो प्रोग्राम होते हैं वो नहीं हुए, गा नहीं सकते भी। फिर भी नेचर का मजा ले रहे हैं और रियाज कर रहे हैं, रियाज होता है, घर का काम होता है, बच्चों के साथ टाइम बिताना होता है, तो निकल गया साल, निकल गया, अभी भी देखते क्या। मैं बस मेरे एकेडमी के सारे बच्चों से ये बताना चाहूंगा कि बच्चों आप दीदी की बात सुन रहे हो, आज भी वो रोज रोज रियाज करती हैं, आज भी एवरी डे शी डज हर प्रैक्टिस, और यू नो ये सुन के मतलब हजारों लाखों स्टूडेंट्स हैं वो इंस्पायर होंगे। दीदी मैं हमेशा सोचता हूँ कि आप मतलब उस दिन भी मैं मुझे अनुजा से, अनुजा ने फॉर ऑल दोस पीपल हर डॉटर इन लॉ, दीदी इज डॉटर इन लॉ, आई वॉज जस्ट चैटिंग विद हर, तो उनसे उन्होंने कहा कि आज दीदी आई, नीचे आई और बोले कि आज का रियाज बहुत अच्छा हुआ। हाँ है ना, एक दो तीन दिन पहले की बात है। तो मुझे बताइए दीदी कि आप जब रियाज करने बैठती हैं तो सबसे पहला आप क्या गाते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आप गाती हैं सबसे पहले? मैं पहले जैसे यहाँ सर्दी होती है, फिर गर्मी होती है, बारिश होती है, तो आवाज पे तो असर होता ही है, तो खराश आती है, वो होता है, तो पहले मैं से शुरुआत करती हूँ, ऐसे सुर लगा, तो ओके जस्ट जस्ट हाँ अच्छा ओके नाक खुल जाता है। कैसे कैसे कुछ सुना है ये सुर में, ये आपका ही सुर है? ना मालूम नहीं, कभी सब कुछ नहीं है। ऐसे शुरू करती हूँ। अरे वाह, तो जितना लंबा कर सकते हैं, 88 की औरत का सांस जितना होना चाहिए उससे भी मेरा ख्याल ज्यादा है, क्योंकि मैं ऐसे करती रहती हूँ, और उम्र से हिसाब से मुझे, मैंने किसी से सुना है कि सांस कम होती है, आवाज का रेट कम होती है, तो मैंने कहा जो भी है वो है, तो इसी में मैं करूंगी रियाज। और वैसा मैं रियाज करती हूँ कि ओम लगाती हूँ, ओम सा है ना, खर्च करता है, खर्च लगाने के बाद फिर रियाज करती हूँ कि जैसे ऐसे रियाज, एक तो स्लो करके फिर करके, मतलब ये रियाज करते हुए तो ये मींद, मींद में
हर नोट को मींड में टच करके जाना जैसे मींड करके मैं आती हूँ। और फिल्म लाइन में तो हमको जो मर्जी लगा आवाज ऊपर लगाना पड़ता है, मतलब कभी पंचम से गाना शुरू होता था, कभी धैवत से शुरू होता है, फट वहां आवाज जानी चाहिए, इसलिए हमको बहुत तैयार रहना पड़ता है। सा मन में सोच भी नहीं सकते थे कि म्यूजिक खत्म हुआ और पंचम से गाना शुरू हुआ, तो धैवत और आलाप होते थे और शेर होते थे, शेर होते जैसे राज की बात है दिल में कहे या न कहे, अभी बस गया है कोई इस दिल में कहे या न कहे, कहे या न कहे, निगाही मिला। अब ये गाना अभी तो आप लोग हेडफोन लगा के करते हैं, ये 4 मिनट 4.5 मिनट का गाना है और ये एक टेक में ओके होना है। Oh my God. अच्छा कोई गलती कर देता तो क्या होता था दीदी, कोई समझो कोई एक मिस्टेक कर दिया, समझो तबला वाले ने कुछ एक बार एक्स्ट्रा बजा दिया, ऐसा कर लिया तो खलास। अब लास्ट गाने के लाइन पे भी अगर किसी ने कुछ कर दिया तो शुरू से गाना पड़ता था और 20 बार 30 बार कभी भी कितने बार जो जो गलती करे उसको हम लोग पीटते थे जाके बाद भी बोलते थे तुम्हारे वजह सबको गाता था, तो ये होता था हमारा बहुत ही मुश्किल, अभी मुश्किल लगता है लोग जब बोलते हैं और जब ये आया है कुछ हेडफोन वगैरह और ये सब सब टेक्नोलॉजी आई है तब लगता है कि हम लोग बहुत तैयार सिंगर होते थे, तैयार रहते थे हम, हमें कोई चांस नहीं था कि सांस की भी आवाज आए तभी टेक कट होता था, और कोई हवा से यहाँ से कोई चला जाए कागज उड़ जाए तो तब भी होता था आवाज कागज की आई तब भी कट होता फिर My God. और ये हमने किया है बहुत बहुत देर तक, मैं हेडफोन आने के बावजूद मेरी आदत थी कि मैं गाना रिकॉर्डिंग थिएटर में हमारा रूम होता था उसका एक दरवाजा होता था कांच का वगैरह, तो मैं थोड़ा सा खोल के उसमें से जितनी आवाज आए उसमें मैं रिकॉर्डिंग करती। सच्ची दीदी ये ना मुझे हमेशा लगता है कि थोड़ा सा जब वो बैंड का एक फील आ जाए ना तो एक और भी अलग मजा आता है। नहीं अलग मजा, मैं भी जब स्टेज में गाता हूँ तो एक ही कान लगाता हूँ, एक कान तो मैं लाइव जो बैंड है ना तो ही, नहीं तो वो ऐसा लगता है कि हम लोग अकेले हैं सब ऑर्केस्ट्रा अलग है। आपने तो वन ट्रैक रिकॉर्डिंग से शुरू किया है ना, वन ट्रैक कभी 1943 में शुरू किया मैंने पहला गाना मैंने गाया 43 में, और बाद में जो हिंदी के गाने जो गाए वो 43-44 ऐसा गाया, और उस वक्त से लेके मेरा ख्याल मैंने दिन में 4 गाने 5 गाने एक तो बार 7 गाने गाए हैं। ओहो तो ना मैं 2 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे से लेके रात के 4 बजे तक मतलब दूसरे दिन तक मैं 7 गाने रिकॉर्ड कर रही। ये कौन से साल में दीदी, which year was this? एक गाना बहुत चला है बुगड़ी माझी सनली दो साता साता जला जता साता जला हाय चुगली मजा ऐसे ऐसे गाने गाए, तो क्लासिकल गवाता था कोई कोई लावणी गवाते थे कोई कवाली गवाते थे सब गाने गाते थे। मतलब अभी मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि आपने इतने वैरायटी गाए, ये तो सब लोग हम सब जानते हैं, मतलब हम लोग तो आपको पूछते हैं और हमारे जो एकेडमी के जो भी लोग हैं वो तो हम तो आपको देवी माँ मानते हैं, तो हमारे लायक भी नहीं है कि हम बोलने कि आपने इतना वैरायटी गाया आपने इतने सब, मतलब ये सब आपके हमारे दिल में है यू नो, सो बहुत दिल से हम आपको प्यार करते हैं दीदी। तो यू नो ये जो आप बता रहे थे 1 ट्रैक बाद में 2 ट्रैक 4 ट्रैक बाद में, मुझे किस्सा याद है आपका जब 6 ट्रैक आया था ना वो वी शांताराम जी का जो रिकॉर्डिंग था, वो किस्सा बताइए ना हमारे हमारे दर्शकों को।
मैं सिक्स ट्रैक मशीन जब आया उनके पास तो हमको लगा कि बहुत कुछ तरक्की हमने कर लिया। अभी तो 215 ट्रैक भी कम पड़ रहे हैं हम लोगों को। तो हम लोगों को क्या बोलते उसको, इस तरफ से आवाज उस तरफ, मतलब उधर एक पैनिंग बोलते हैं, पैनिंग। हाँ, वो क्या बोलते थे उसको, तो वो करके बताते थे कि यहाँ से बज रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से बज रहा है, इसमें आ रहा है। तो हम बहुत चकित हो गए थे। और हमने गाना शुरू होता था 10 बजे शुरू, तो दिन भर मतलब थिएटर में, वहाँ रिकॉर्डिंग थिएटर तो शूट होता था, उस शूटिंग के थिएटर तो राजकमल में वो गाना हमने दिन भर गाया। तो उन्होंने रात को रिकॉर्ड किया, तो कहने लगे नहीं नहीं हमारे स्टूडियो में करे, छह ट्रैक का मशीन है वो। तो हम लोग वहां गए, वहां पहुंचे तो श्री रामचंद्र वगैरह हम लोग सब म्यूजिशियन वगैरह, तो वहां रिहर्सल इसको नीचे उसको आधी रात चली गई। फिर गाना रिकॉर्ड, फिर रिकॉर्ड हुआ गाना, तुम सैया गुलाब के फूल हुए क्या हमसे भूल, जो नाता तोड़ चले, ऐसा गाना था। उछल उछल के हमने गाना गाया और विशांतराम जी का, अच्छा अब कल सुनेंगे ये गाना, शेर ट्रैक का गाना कैसे होता है, अब कल सुनेंगे। सारे सब लोग आ गए दूसरे सुनने के लिए, सुनने के लिए सब लोग वापस आ गए स्टूडियो में, वापस आ गए सारे म्यूजिशियन सब टेक्निशियन वगैरह से। ये शेर ट्रैक पहली बार तो रिकॉर्ड हो रहा है, सुना रहे, सुना ही नहीं था, गाना रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। मंगेश देख रहा है, वो दूसरे सब देख रहे हैं कि ये क्या मशीन है, ये क्या मशीन है, वहां खींच रहे, कोई आवाज नहीं है। सब लोग 12 बजे वापस गए, अरे बोले फिर से गाना पड़ेगा ये गाना। तो फिर से गाया आपने, ये दूसरे और 2-3 दिन के बाद फिर ये गाना रिकॉर्ड, फिर वो रिकॉर्ड। लेकिन एक अलग चार्म होता होगा ना दीदी वो टाइम के, वो आपने तो सब, यू हैव सीन ऑल जेनरेशंस, मतलब 1 ट्रैक से लेके 6 ट्रैक, मतलब इवन यू हैव, अभी हम लोग क्या बोले, आप तो यू हैव संग विद किशोर दा, मोहम्मद रफी सब। अभी मुझे, हम लोगों को देखिए, हम लोग बच्चे हैं, हम लोगों को ये सब बहुत इंक्विजिटिव है कि बताइए कि जब आप किशोर दा के साथ रिकॉर्डिंग करते थे तो क्या एक्सपीरियंस होता था और क्या था स्टूडियो में, क्या माहौल रहता था, आपने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं उनके साथ। किशोर दा एक ऐसे कलाकार थे कि उनके जैसा होना अभी मुश्किल। भगवान चुन चुन के आर्टिस्ट भेजता है, वो मतलब किशोर, लता मंगेशकर, आशा भोसले जी, मेरा गला खराब हो रहा है, आराम से आराम। तो किशोर दा के साथ गाना गाना इसका मतलब होता था कि ट्रीट है। किशोर पूरा दिन हम बैठते थे 10 बजे 11 बजे से लेके 6 बजे शाम तक गाने होते थे, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर, अलग अलग। वो जो आर्टिस्ट था, मतलब मैं आपको एक ही बताती हूँ उसका जो कमाल था, वो खड़े होके भी गाता था, बैठ के भी गा सकता था, लेट के भी गाता। उन्होंने इंतहा हो गई इंतजार की, गाना सुनने में एक गाना प्रोड्यूसर ने बताया, मेहरा जी ने बताया कि ये शराबी का गाना है, शराबी। तो शराबी खड़ा होकर थोड़ी गाएगा, लेट के गाएगा। वो तो सब लोग चौंक जाते थे, मैं देख रही थी, मुझे मालूम था कि ये कोई भी कर सकता। तो ए भाभी इधर, वो दो लोग जो कर लो, भाभी बोला मामा 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 की कुछ रखते माँ बाप की कुछ मामा मामा सब ग्रह था। उन्होंने लेट के, पूरा लेट के ऐसे हाथ रख के गाना गाया। और मैं HMV के एक रूम में, एक दरवाजा होता था उसके सामने सुनने के लिए जाते थे,
उस दरवाजे में मैं खड़ी, क्योंकि मेरे हाथ पे भी बाइक है। मैं गाने आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ वहां से कि आदमी ऐसे हाथ रख के बाइक यहाँ रख के इंतजार की, क्या हाय बोला उन्होंने, ओह माय गॉड, तो मर गए अब लोग। तो उनका जो गाना था, कोई भी उनको गाना गवाई है, वो अपने आप सोचते थे कि मैं इस गाने को क्या अच्छा कर सकता, और उनको कोई भी गाना दीजिए उसको वो अपनी तरफ से वो करते। और बोल उनके जो खास बात थी कि जैसे कोई हमदम ना रहा, हाँ कोई बोलता नहीं आ चुका, आप ही बोलते रहा, ऐसा नहीं है रहा कोई सहारा ना रहा, मतलब उनका बोल जो बोलने का आकार आकार इकार जो हमारे गाने में है उसका बहुत असर गाने पे पड़ता है और गाना अच्छा लगता है उससे। आजकल मुंह खोलते नहीं लोग क्योंकि बिगड़ जाता है मुंह, तो क्या करेंगे, ये अ बोलने का। हाँ दीदी, एक एक गाने के लिए कितना रिहर्सल होता था रिकॉर्डिंग के पहले? रिहर्सल होती थी बहुत, तीन चार रिहर्सल तो होते आउटसाइड द स्टूडियो, मतलब घर पे म्यूजिक डायरेक्टर के घर पे हमको एक दो रिहर्सल बस होती थी। सेट पे गाते थे, सेट पे रिहर्सल करते थे, लेकिन कोई कोई म्यूजिक डायरेक्टर थोड़े से वो थे कड़क थे, जोशा साहब वगैरह, तो उनके पास दो तीन दफा जाना पड़ता था, तो उनका एक स्टाइल था, तो आप रिहर्सल कीजिएगा सर, फिर वहां जाके आप कुछ मिस कर जाएंगे, खुदा ना खास्ता क्यों आप आइए रिहर्सल करने। तो एक दो रिहर्सल करके मैं बोलती थी मेरे को अभी गाना याद हो गया है, आपकी जिम्मेवारी है, वहां कुछ हुआ तो आप इसके जिम्मेदार है, ऐसे बोल के गाना गवाते थे हमसे, तो मन में आदमी डर जाता है ना, तो वाकई अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो पता नहीं था, ऐसे कुछ हुआ ना। रफी साहब, किशोर रफी, मनादार मुकेश, वो लोग करते थे गाना याद है लेकिन बहुत बार गाते थे, मुझे बोलते थे आशा थे आप सामने बैठ जाओ, बैठ जाओ हम गाते, और वो बहुत रिहर्सल करते थे, हम लोग ऐसे ऐसे बैठे क्योंकि आप एक बार सुन के आप ग्रास कर लेती होगी ना, आप अच्छा अभी आओ आ जाओ, अभी हमारी आवाज ठीक हो गई है, ठीक हो जाएगा, फिर जाके गाना गाते। शास्त्रीय संगीत का आपका जो नॉलेज है, शास्त्रीय संगीत का जो ज्ञान है, वो गाने में डेफिनेटली हेल्प करता है ना दीदी, मतलब अगर कोई थोड़ा सा सीखे, थोड़ा सा वॉइस को वो करे तो डेफिनेटली। मैं शास्त्रीय संगीत आपके बराबर कुछ नहीं, ओ प्लीज प्लीज, स्टूडेंट के बराबर भी कुछ नहीं, मैं शास्त्रीय संगीत, हम लोग बहुत फिल्म में रहे हैं इतने साल, कितने डेकेड हो गए अब तक बताइए, कितने 43 से आज तक, तो हम फिल्म के गाने में, लेकिन जो क्या बोलते हैं उसको नींव जो है वो नींव क्लासिकल की होनी चाहिए, नींव अगर क्लासिकल की नहीं है तो आप बहुत देर तक आपकी आवाज भी नहीं रहेगी, आपकी हरकतें भी चली जाएंगी, और क्लासिकल का रियाज नहीं करेंगे तो आपकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता सुर में नहीं लगेगी, और ये सब चीजें होने से मुझे लगता है कि रियाज करना चाहिए, क्लासिकल जितना भी हमको आता है थोड़ा आता है वही हम लोग करते हैं, उसी का रियाज करते हैं, तो उससे हुआ कि हमारे गाने में हमको बहुत मदद मिली, बहुत मदद मिली क्लासिकल होने से, लाइट गाना या कोई भी उत्पटांग गाने जैसे आते थे ऐसा करके भी गाए हैं, ऐसा करके भी गाए, तो क्लासिकल बेस होने से सब तो डेफिनेटली वो मतलब वो जो मैकेनिक्स है थ्रोट का जो वो थोड़ा सा हेल्प करता था है ना, तो वही मैं बच्चों से एडवाइस यही कहूंगा कि दीदी ने जैसे बोला कि आप सुनिए और सीखेंगे तो आप उसके बाद आप पॉप सिंगर भी बन जाओ,
रॉक सिंगर भी बन जाओ या गजल सिंगर बन जाओ, भजन सिंगर बन जाओ, जो चाहिए बनो, लेकिन अगर थोड़ा सा फंडामेंटल्स, लेकिन आप आपने एक एक जो नाट्य गीत गाए हैं दीदी, और आप बोल रहे हैं कि आपने क्लासिकल म्यूजिक नहीं इतना किया, मतलब मुझे तो हंसी आ रही है, एक एक कमाल का जो है ये जो आपके इतने सिस्टर्स और पंडित जी हृदयनाथ जी, ये घर में माहौल क्या रहता था म्यूजिक का, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि आप लोग सब साथ में रियाज करते थे, कैसा होता था, क्या होता था घर में? बचपन में बाबा बिठाते थे सबको, सबको बिठाते थे, हम तीनों का मतलब मीना उषा और दीदी, और वो जो उनका मतलब रियाज जो होता था वो ही मेरी जो पूंजी है, असल पूंजी मुझे। अरे आवरे करम सो कर सोही अल्लाह, अरे जगदा। ये जो है कि बेस पे गाना और उसको वजन देके गाना, वो जो क्लासिकल का खास होता है वो हमको वहीं से मिला, और वो इतने छोटपन में मिला कि वो बहुत बीच रह गया, ऐसे उम्र में कोई याद नहीं होता, वो उम्र जो होती है उसमें जो बाबा ने किया सिखाया वो हम लोगों के काम है। बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे क्या दीदी घर पे? नहीं, बहुत बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, हमको कभी नहीं, उन्हें पांच उंगली भी नहीं कभी लगाई, सिर्फ आंखें बड़ी करते थे। और पंडित हृदयनाथ जी के साथ जब जब आप कॉम्पोजिशन, उनका कॉम्पोजिशन गाते हैं, तो क्या सिंस वो भाई हैं तो एकदम एकदम आप इजीली लेते थे कि मतलब कैसे वो तरुणा आहे रात्र अजूनी, दो लाइन सुनाइए ना ऐसे ही बस थोड़ा सा अभी गला कैसे, मतलब मैं सोचता हूँ कि ये ऐसे कैसे कोई कंपोज कर सकता है, कैसे और कैसे कौन ऐसे गा कैसे सकते हैं ये, तो उसका गाना जब भी आता है तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं, मैं भी दीदी भी आराम से हम लोग हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा, वो गुस्सा नहीं करता है कुछ नहीं, लेकिन वो बाजे पे बजाता है, गले से गाता है, वो जो भी गाता है बार बार वो बताएगा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, बार बार बताएगा, तो गुस्सा नहीं करता, और वो रिकॉर्डिंग वो हंसता भी नहीं है, और कभी वो जाते कुछ नहीं, बातचीत नहीं करता है कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग में बहुत सीरियस होता है, तो वो डर लगता है उसके गाने से बहुत। अच्छा, रिकॉर्डिंग में आपको उनके सामने डर लगता था? हाँ, गाना इतना अच्छा होता था कि हमको वैसा देना चाहिए ना, ये डर लगता कि वैसा नहीं गाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, छोटे भाई को गाना नहीं गा सकते। उसका 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 दो लाइन सुनाइए ना तरुणा है। गला मेरा शंकर बहुत खराब हो रहा है, बता रही तरुण आहे रात्र अजूनी, तरुण आहे रात्र अजूनी, राजसा निजलासता, राजसा निजलासता, रे वो जो बाबा से जो आपने ट्रेनिंग लिया और बेस में जो वजन है वो आपने ऐसे गानों में काफी इस्तेमाल किया है, am I correct दीदी मैं जो बोल रहा हूँ, जो एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक जो सीखा है उसको अप्लाई करके आप फिल्मों में बहुत, जैसे अभी बताइए, लेकिन जब भी आप एक गाना जैसे यह है रेशमी जुल्फों का जब वो गाते हैं तभी आप कैसे, मतलब आपका माइंड कैसे, आप माइंड को स्विच ऑफ करते हैं, मतलब इतने सारे आपने कैबरे गाया है, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, इतने मतलब आपने उस टाइप के गाने भी गाए हैं और यू नो क्लासिकल ऑफ कोर्स गाए हैं, तो वो करते वक्त कैसे आपका जो डिमार्केशन होता है वर्सेटैलिटी का आपके दिमाग में रहता है कि वॉइस से आप
करते हो, क्या करते हो आप? इसमें दिमाग बहुत जरूरी है, गला भी वैसा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। जैसे अभी क्लासिकल गाना अगर आया, लाल पत्थर का गाना, प्रेम मन सुर मेगा रे मन सुर मेगा, तो वो हम तानपुरा लेके बैठते हैं, मन में तानपुरा लेके रे मन सुर मेगा। और गाना आया ये है रेशमी दुजू कांगड़ा, तो हम कपड़े बदल देते हैं अंदर ही अंदर, कपड़े बदल के अपने आप को अंदर ही अंदर, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा ना घबराइए, हाँ तक महक है मेरे, मतलब उसको ऐसा करते, अब निगाहें मिलाने को तो मालूम है कि लड़की क्या करे, करने वाले जैसे कव्वाल होते हैं तो वो तालियों का ढंग, करेक्ट, तालियों का ढंग। अब जिसको है नेचुरली लड़की नाचने वाली है, तो हम लोग वैसे वो सोचते हैं कि क्या नाच करेगी, क्या नाच करेगी, हेलन है, कौन है लड़की, कौन है, क्या है, तो वो सोच सोच के हम लोग वैसे गाए। कौन सा गाना था, ये मेरा प्यार का दीवाना, अब इसमें तो नहीं गा सकती, ये मेरा, ऐसा तो नहीं गा सकती थी, तो ये ऐसे करना पड़ता। तो इसको ये माइंड की बात है, गला फ्लेक्सिबल होने की बात है। और गाने सुने हैं इंग्लिश, बहुत गाने इंग्लिश सुने हैं, बहुत कल सुना है, वो तो क्लासिकल में पलुस्कर पुण्यतिथि का कभी भूल नहीं सकती हूँ, सारे तिलक और खान साहब से लेके सारे तबलेवाज और वोकल बड़े गुलाम अली से लेके उनके भाई बरकत अली, आमिर खान साहब, जितने भी क्लासिकल सिंगर थे जो बजाने वाले थे, जो रविशंकर जी, विलायत खान जी, जो मर्जी आप बोले, वो वहां पर आके बजाते थे, रात के 8 बजे बैठते थे, सुबह 8-9 बजे तक बजाते थे। My God। पर ऐसे माहौल में हमने सुन सुन के, क्या सुनने से बहुत गाना ये होता है, तो इंग्लिश का भी ऐसे ही है, हमने इंग्लिश भी सुना है तो वो भी हमने अपने गानों में खींचा है, क्लासिकल को भी खींचा है और गजलें सुन के गजलों को भी वो लिया है। और अपनी सोच गाने की होनी चाहिए कि ये गाना क्या गा रही हूँ मैं, किस लिए गा रही हूँ, किसके लिए गा रही हूँ, तो वो अपने आप को उसमें ढाल लेना चाहिए। मतलब कभी कभी ना हम ऐसे प्योरिस्ट को मिलते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ आप शास्त्रीय संगीत ही सीखना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं, आप सुनना नहीं चाहिए ये, तो आपका, मेरे ख्याल से आप, मैं जानता हूं कि आप और पंचमदा मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड वेस्टर्न म्यूजिक के सुनते जाते थे, मैं सब सुना हूं उसके बारे में, तो क्या आप हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा एडवाइस देंगे कि सभी म्यूजिक सुनना चाहिए ना, व्हाट डू यू थिंक ताई, आपका क्या एडवाइस? मेरा ख्याल है म्यूजिक होता है, क्या बात, भाषा अलग होती है, प्रांत अलग होते हैं, देश अलग होते हैं, पर म्यूजिक के सुर वही होते हैं, सारे गमा पद बस खत्म। और ये जो सुर है ये सब देशों के सुर है, उनके रिदम अलग होंगे, हम 3 ताल झप ताल दीपचंदी ये करते होंगे, वो अलग रिदम करते होंगे, लेकिन है वही सेम, 10 मात्रा होते हैं, 7 मात्रा होते हैं, 12 मात्रा 16 मात्रा सेम है, सबका म्यूजिक सेम है। और सुनने से मैं बोलती हूँ कि स्पेनिश म्यूजिक सुनना चाहिए, अफ्रीकन सुनना चाहिए, चाइनीज नहीं होती, पर आपने आवे मारिया भी गाया है ना तो आप क्या क्या मतलब बॉय जॉर्ज के साथ किया, तो आप ये एडवाइस करेंगे कि सारे बच्चे ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक, सारे विश्व के जो म्यूजिक है वो सुनेंगे तो उतना ही हम मतलब एज म्यूजिशियंस और भी रिच हो जाएंगे, है ना ताई? हाँ। अभी वो सब होता नहीं है, रात को बैठ के जो क्लासिकल गाते थे जैसे किशोर या मुनकर वगैरह गाते थे, वैसे होता नहीं है अभी आजकल। हाँ। और अब मेरा ख्याल है हम लोग रात रात बैठ के सुनने वालों में से थे, तो ऐसा कोई सुनता भी नहीं है कोई नहीं, लेकिन
मेरा ख्याल है कि मॉडर्न म्यूजिक भी अच्छा है, लेकिन वो मॉडर्न म्यूजिक आता कहाँ से? उसके पहले वो क्लासिकल म्यूजिक है, हर म्यूजिक बनता है, हर दुनिया का म्यूजिक क्लासिकल से बनता है, तो वो क्लासिकल आपका पक्का होगा तो आपने आप कुछ भी गा सकते हो और सब सुनना चाहिए। फाउंडेशन फाउंडेशन पक्का होगा ना, फाउंडेशन पक्का होना चाहिए, तो बिल्डिंग हिल जाएगी। तो यही मैं कह रहा था कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है दीदी, वो है इंस्पायर इंडिया, जिसमें हमारे बहुत ही अंडर प्रिविलेज बच्चे जो है हमारे देश के, जिनको शायद ऐसे मौका ही नहीं मिलेगा कि कभी आशा भोसले जी से मिलने का एक मौका, शंकर महादेवन के मतलब जो टीचर्स हैं उनसे सीखने का एक मौका कभी मिल ही नहीं पाता था, क्योंकि वो इतने गरीब हैं और इतने अंडर प्रिविलेज एरियाज वगैरह में रहते हैं। इसने श्रीधर रंगनाथन जो मेरे मित्र हैं और मेरे साथ जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, वो देखिए पहला विंडो में आ गए, वो श्रीधर रंगनाथन और मैंने ये अकेडमी बनाया और अभी 10 साल हो गए दीदी, और हम लोग 80 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज में हम लोग सिखा रहे हैं, और बस आपका आशीर्वाद है। और आज मैं ये चाहूंगा कि आप ये बच्चों को थोड़ा सा सुने, छोटे छोटे गाने उन लोग गा रहे हैं सब मिलके, बहुत मासूम है, उनके दिल में सुर है दीदी, मतलब क्या है कि मैं भी इतने हाई फ्लाइंग सिंगिंग वगैरह नहीं है जैसे हम बहुत सारे रियलिटी शोज में देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनका जो इनका जो आशा है ना वो पूरी होती है, वो हम पूरा करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सुने, और बीच बीच में जब हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे उनके परफॉर्मेंस के बाद, थोड़ा सा आप उनको कुछ प्यार की आप आपके वर्ड्स में आप कुछ बोलेंगे तो बहुत इंस्पायर हो जाएगा और हमारे लिए भी धन्य हो जाएगा। ओके सो और हमारे लिए जो इंस्पायर इंडिया को जो सपोर्ट किया टाटा ट्रस्ट कंपनी, जो सपोर्ट किया ना टाटा ट्रस्ट ने, बहुत सपोर्ट किया आपको दीदी, हम लोग बहुत जगह पूछे लेकिन टाटा ट्रस्ट ने सपोर्ट किया कि ये गरीब बच्चों को सिखाने का जो सुविधा है वो टाटा ट्रस्ट ने किया। और उसका जो हेड है हमारे बीच है दीपिका सोराब जी हैं। दीपिका जी वेलकम, वेलकम टू दिस इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड टाटा बोलने से ही, हाँ ये देखिए मैं नमस्कार करती हूँ जेआरवी टाटा के, क्या क्या किया है हमारे और ये पार्टी कम्युनिटी ने बहुत किया है बम्बई को, बहुत ही मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मित्र हैं पारसी, बहुत पारसी मित्र हैं और मैं बहुत तो रिस्पेक्ट करती हूँ सच टाटा के, बहुत अच्छा लगता है। दीपिका वेलकम वेलकम, what do you got to say, what do you think? Nothing, thank you very much for having me this evening. I have to say that I look after the arts and culture portfolio at the Tata Trust, and it's been a real honor to listen to you and Achaji chat, and I just thought I'd go back to the beginning when you and she approached the Tata with this idea, and as you in the last 3 years, taking a good idea into good practice is very difficult. But congratulations to everyone at the Shankar Mahadevan Academy for the fantastic work that you have put in. And to see 3 centers today established, and on the common goal that both the Tata Trust and the Academy had, that music is for all. And to give that access to all was our primary goal. And to have this foundation in Indian classical music, but to allow that foundation to let the children or whoever's taking the classes flower in whichever way their talent takes them was also another goal. And I think seeing them take to the guitar and the piano and all the other classes that you all introduced has been absolutely fantastic. So I just want to wish you the completion of the first part of this program. Hope that you all will establish many more centers, and congratulations on the 10th anniversary of your academy. I wish you all success, Shankar, and thank you very much for inviting me to the celebration this evening. And thank you, Asha Ji, for that wonderful conversation that you had with Shankar Ji. Thank you. Thank you, Deepika. Thank you so much. Thank you, Deepika. Sridhar, what do you think about what's happening today? You got to say anything to Deepika, to Asha Thai?
you know, isn't this a great blessing, blessed moment that we are having? Now I was just reminiscing about the early parts of when I first went and met with Deepika, and you know, and had an idea which was kind of out of the world, and then we had to slowly hammer it back into the world of reality, lots of lessons learned. But then what we succeeded is in the whole idea about having music for every household who may or may not have money. And that was the key thing, and I think we established that in the last 4 years of working. Fantastic job by all the schools that came forward to work with us, and the teachers. Our teachers, my God. Yeah, the faculty. I mean, a special thanks to the faculty. I think they were just amazing. And Sridhar and Ritika, who really held the program together. Yeah. Didi, aapko pata hai, humare Dharavi mein 1000 students the. लेकिन अभी अभी कोविड में मतलब अभी वो सब बंद हो गया है, बिकॉज यू नो वो जाके सिखा नहीं सकते. लेकिन सिर्फ धारा में मतलब आप सोचो कि कितने मदुरई के एकदम अंदर, बैंगलोर कर्नाटका के एकदम डीप अंदर जाओ, और इतने प्यारे 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 बच्चे हैं. तो मैं चाहूंगा कि कार्तिक यू टेक इट ओवर, और दीदी का मतलब अभी बहुत ज्यादा वो मतलब आराम से बैठ के वो सुनने दीजिए उनको. And we will take this Inspire India program forward. So over to you, Karthik. Thank you so much, Deepika. Thank you so much, Deepika ji, and thank you so much, Shankar ji. And मैं really बता नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक smile रुक नहीं रही है. हम सब इतने blessed हैं, जैसे Shankar ji ने कहा. आशा जी, thank you so much. हम सब पे blessing, आपका blessing रखने के लिए thanks a lot. और मतलब पता नहीं इस उम्र में तो मतलब मैं तो पता नहीं क्या होगा हम लोग का, जिस तरह से आप आई थिंक हम कुछ भी कह नहीं पा रहे. इट्स जस्ट दिमाग में एकदम इट्स ऑल ब्लरी हो गया है. थैंक यू सो मच आशा जी हमें ज्वाइन करने के लिए. और इस मोमेंट पे मैं थैंक करना चाहूंगा शंकर महादेवन एकेडमी ट्रस्ट के सभी लोगों का, शंकर महादेवन जी, दीपा श्रीधर जी, श्रीधर रंगनाथन जी, संगीता महादेवन जी, सिद्धार्थ, शिवम महादेवन, और जो गवर्निंग बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, नितिन कुमावर जी, राजेंद्र प्रधान जी, डॉक्टर प्रकाश सोनटके जी, अजय मनसुखानी जी एंड दीपेश उतारिया जी, थैंक यू सो मच. कि हेलो, नमस्ते संगीता मैम. नमस्ते आशा. दीदी दीदी हिला बगा ही पण आहे. तुमची मुलगी मेरी बीवी संगीता. आशीर्वाद द्या, नमस्कार करते. नमस्कार. शंकर महादेवन अकेडमी and all the hard work that all you people have put in. Thank you so much. What do you think of the culmination? Isn't this the icing? अरे नहीं आशा नहीं. शंकर वाज सो नर्वस. मैं क्या 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 पूछ सकता हूँ, मतलब थोड़ा सा जो वक्त मिला है उसमें व्हाट मोर कैन वी गेट, बिकॉज आपके पास इतना कुछ है हम सबको देने के लिए, और आपसे इतना सीखना है, हमारे सब बच्चों में बांटना है आपका नॉलेज. तो यही था कि कैसे हम क्या क्या पूछे और कितना कुछ हम ले आपसे. टाइम तो बिल्कुल कम पड़ता ही है, लेकिन क्या करें, मतलब जितना आप है उसका मैक्सिमम हम फायदा उठा रहे हैं. नीचे दीपा श्रीधर जी हैं. दीपा इज श्रीधर मेरे पार्टनर है, उनकी पत्नी है. हाय दीपा. हाय, नमस्ते आशा जी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू हियर टुडे. दीदी, इन लोग सब दिन रात काम करते हैं कि एकेडमी ठीक ठाक चले और यू नो लोगों तक पहुंचे, हजारों लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए. कार्तिक कंटिन्यू. थैंक यू सो मच शंकर जी. नाउ आई फील कि काश कोविड नहीं होता और हम सामने से आप सभी को अगर सुन पाते तो इट वुड हैव बीन लेजेंडरी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल द स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच शंकर जी. आपकी आवाज कट रही है. नहीं, ये हीरो है कि सिंगर है. बहुत अच्छा सिंगर है दीदी, बहुत अच्छा सिंगर है, लेकिन दिखता भी है हीरो जैसा, है ना. नहीं आशा जी.
बना दिया आपने. अरे थैंक यू आशा जी. और मैं ऑफकोर्स आपका 0.00001% भी कुछ भी नहीं है, तो अभी बस थोड़ा सा गुस्ताखी आगे आएगा तो बस माफ कर दीजिएगा अगर जो भी गलती होगा हम लोगों से. पर इस मोमेंट पे हम SMA ट्रस्ट का, जिनकी वजह से आज हम ये कर पा रहे हैं, उनका एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहते हैं. कैन वी हैव दी SMA ट्रस्ट वीडियो प्लीज. जी जी, आप अभी आराम से बैठ के देखिए ये सब जो सब हो रहा है, आप आराम से देखिए, आपके गला को रेस्ट देंगे. दुनिया में संगीत से बढ़के शायद ही कोई और खुशी है, और यही खुशी सब तक पहुंचाने हमने 2010 में शंकर महादेवन एकेडमी की शुरुआत की. आज हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस है 80 से ज्यादा देशों में, 400 से ज्यादा कोर्सेज हैं, अब तक हमारे 28,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, और 2,00,000 से ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस और 20,000 से ज्यादा क्लासरूम क्लासेस भी हो चुके हैं. यहाँ म्यूजिक इंडस्ट्री के महारथी रेगुलरली मास्टर क्लासेस लेते हैं. SMA ट्रस्ट की तरफ से अंडर प्रिविलेज बच्चों को और सीनियर सिटीजन को संगीत सिखाया जाता है, और SMA निर्वाणा में टर्मिनली इल पेशेंट्स को मुफ्त परफॉर्मेंसेस भी दिए जाते हैं. उनकी जिंदगी में उम्मीद की रोशनी लाने के लिए छोटी सी कोशिश है. वैसे सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, पर अपने आप के लिए गा के भी संगीत का मजा उठाया जा सकता है. पता है हमारे यहाँ 2 साल से लेके 92 साल तक के स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग जॉनर्स के म्यूजिक सीखते हैं. तो आप भी आइए, SMA का हिस्सा बनिए और संगीत का मजा उठाइए. लॉग ऑन टू www.shankarmahadevanacademy.com. वेल, दैट वॉज आर SMA ट्रस्ट का एक छोटी सी झलक. और जैसे शंकर जी ने कहा, आज हम हमारी 10th anniversary पे जो फर्स्ट इवेंट कर रहे हैं, दैट इज फॉर इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट. और इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में हमसे बात करने आ रही हैं बहुत ही एक स्पेशल मेंबर, रितिका मदान जी को मैं इन्वाइट करूंगा. रितिका, कैन यू प्लीज ज्वाइन अस? हाय रितिका. The mic is muted, yeah. Can hear you. Go for it. Hello, Shankar ji. Namaste. Namaste, Asha ji. This is actually the most wonderful day, I think, for most of us, and especially our students. Ke liye. I don't think they could have asked for anything more. So I'll give a short introduction to the Inspire India project. This Inspire India project, which is an initiative of Shankar Mahadevan Academy Trust, is centered around the thought that music should be accessible to one and all. Kisi ko nahi peeche chhodenge. Whether you come from an underserved community or you have special needs. With this vision to spread the joy of music, the project was started in December 2017 in Mumbai with the support of Tata Trust. We opened our first center in Sion in a small room in DS High School, reaching to adjoining communities in the vicinity. In 2019, we opened our center in Govandi and followed by the third center right before the pandemic in January 2020. These centers have offered students with a wide choice of music programs, for starting with Hindustani vocals to rhyme to swaras, piano, guitar, Hindi movie songs. We have a wide range of programs that we offer to children. In the last 2 years, it is heartwarming to see the desire, passion, dedication shown by all our teachers and the students across ages, across communities. And we've created a space which we called a happy learning music space, where each of our students long to come and learn. So good evening, everybody. I am Ritika Madan, and I feel honored and privileged and deeply humbled to be trusted with this opportunity to take care and nurture this project, which is very, very close to my heart.
And I would like to sincerely thank, of course, our most favorite Shankarji and Sridhar for creating this beautiful program. And of course, Tata Trust. Without them, I don't think this dream could have been a reality. And of course, I'm sorry if I'm going to mispronounce anybody's names, but I thought this is an opportunity to thank each and every one of our teams. So I'm going to request you to please put your videos on when I introduce you. First and foremost, a team of teachers led by Chaitra, Archana, Debashri, Chinmay, Dhaval, Sanket, Abhishek, Avanti, Charles, Sanjana, Mansi, Gagan, Asawari, Anaga, and of course, our very, very solid team of administrators, Varsha, Anu, and of course, Krish, Maria, all of them who have really worked very, very hard behind the scenes. And of course, a very, very special thank you to Shivam and Siddharth and Somil for coming and always inspiring the students and energizing them. And of course, our really, really, really important people who work on ground, which is the schools and their trustees. So a very, very big thank you to Mr. Rajendra Pradhan, his team of trustees from DS High School. Miss Janki Harin, she's also here. I'd like her to also please join us. And she's from Govandi Education Society. Of course, our Chamber Center trustees, each one of them has really contributed deeply to this program. And of course, thank you, Sridhar, for always pushing us and, you know, making this project such a special, special project for all of us. And I'd like to share that this project has benefited more than 2,000 students since inception, just in and of course, unfortunately, 2,000. Unfortunately, students, the pandemic hit. Yes, more and counting. And of course, you know, we had to shut down because of the pandemic, but we've moved online, and 50% of the students of vocal music have continued. And the most important, I think, is that, you know, this desire to learn music doesn't need money, doesn't need a, you know, age barrier. Ashaji, of course, has just shown that. And it doesn't matter where you stay. You can learn music anywhere. And we need support from more people like Tata Trust to come on and support you. You're going to see the program. We have such beautiful experiences and performances. So thank you very much. And please continue to support. And I hope you have a great evening with music and magic. Thank you. And thank you, Ritika. You made it happen. Thank you. My pleasure. Thank you. Thank you so much, Ritika. Really, like Sridhar said, you made it happen. Thank you so much. Ab main chahta hu ek bahut hi khas member. IIP ki baat karte hain to definitely hum inki baat bhi karte hain. मैं इनवाइट करता हूं अरविंद कामत जी को कि वो प्लीज अपना वीडियो ऑन करें एंड हमारे साथ दो शब्द शेयर करें। नमस्ते आशाताई, नमस्ते शंकर जी, श्रीधर जी, कार्तिक रमन जी, रितिका जी, ऑल ऑफ यू, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड एट बैंगलोर ऑन द ओकेजन ऑफ दसरा in October 2018 by Shankarji. In less than 3 months, Inspire India project at Bangalore covered more than 300 students from 6 to 86. So that was the age group that we covered from across the spectrum. It included senior citizens, students from the armed forces, students from government schools, children with special needs, basically the autistic kids, and a Gurukula for girls. Our inspired teachers taught them Hindustani and Carnatic vocal music, Grovit music, guitar and piano. The students felt immense joy in learning music from the best of courses and music teachers backed by a global music academy, that is Shankar Mahadevan Academy. Thank you all. Dhanyavad. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Arvind sir, for joining us today. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Arvind. Thank you. Now, I would like to call a very, very special person. I think whenever we see her,
हम हमारे अंदर एक अलग ही टाइप की एनर्जी आ जाती है. द एडवाइजर ऑफ द शंकर महादेवन अकेडमी ट्रस्ट. शी वर्क्स एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट इन एजुकेशन एंड म्यूजिक. She has been a lifelong teacher and administrator in Malia Aditi International School for 24 years. She partnered in setting up the Center for Education, Research and Training in the Srishti School of Art, Design and Technology. She has trained intensively in Hindustani classical music, composed music for theater, and directed music shows. She has taught music and the religion of South Asia in Stanford University and presented research papers in Sheffield and Helsinki. I'm sorry if I'm pronouncing that wrong. She's the founder director of a music collective called Sunad and an integral part of the Shankar Mahadevan Academy family. Please welcome the one and only Tara Kini ma'am. Thank you. Welcome, 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 Tara. Karthik, do you have that with you? Yes, I do. Should I show it right now? Yeah, so let me start the evening for Tara saying, Tara, we are very, very humbled and very, very excited to present you with the Guru Kripa Award of the Shankar Mahadevan Academy for you. Asha Tai, aap aisa kiye aur Tara ji aisa lijiye. Oh my God. Oh my God. Really? Oh my God. This is too much. Asha Tai, namaskar. Shankar ji, namaskar. Sridhar, you've really taken me by surprise. Totally. दीदी ये ताराजी को अवार्ड आपके हाथों दे रहे हैं हम लोग. गुरु कृपा अवार्ड जिसे कहते हैं, हर साल हम लोग एक हमारे टीचर जिन्होंने बहुत काम किया उनको देते हैं, तो आपके हाथों ये गुरु कृपा अवार्ड ताराजी को दे रहे हैं ऐसे हम समझेंगे. तो बस आप हाँ क्या बात है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू आशा जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू शंकर जी. आई एम रियली ओवरवेल्म्ड. यू आर टू स्वीट तारा. आपका जो एनर्जी है हमारे एकेडमी में, योर एनर्जी मींस सो मच टू अस, यू नो. थैंक यू. थैंक यू. कीप ब्लेसिंग अस, कीप ब्लेसिंग अस, एंड दैट्स इट. या थैंक यू वेरी वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. एंड इट्स अ रियल ऑनर टू रिसीव इट फ्रॉम आशा जी. Yeah, what better? Can't be anything better than this, isn't it? Yes, wonderful. Absolutely wonderful. Yeah, go ahead Karthik. Thank you so much, Tara ji. Thank you so much, Asha ji, for handing over that award to Tara ma'am. Thanks a lot. Asha ji, अभी जब शंकर जी के साथ आपने जो हमें इतना कुछ सिखाया और आपने इतना कुछ हमें सुनाया, मतलब रियली वैसे भी आपका गाना सुन के हम लोग सब ब्रेथलेस हो जाते हैं. अभी तो सामने से देख के और भी ज्यादा ब्रेथलेस हो गए. तो एक्चुअली इस मोमेंट पे आपने पूछा मैं हीरो हूँ या सिंगर. मैं हीरो नहीं हूँ, मैं बहुत थोड़ा बहुत सा गाने की कोशिश करता. तो एक छोटी सी ट्रिब्यूट है जो कि हम शंकर महादेवन एकेडमी की तरफ से आपको देना चाहते हैं. वी ऑल नो आपने 12,000 से ऊपर गाने गाए हैं, पर एक छोटी सी गुस्ताखी जो मैंने की है कि 100 गाने आपके आपके लिए एज अ ट्रिब्यूट ब्रेथलेस प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ गिफ्ट फ्रॉम द शंकर महादेवन एकेडमी. सो हियर इट गोस. ये लड़का है अल्लाह क्या गजब करते हो. छोड़ दवा जल मैं चली जवानी जाने में दम मरो दम पिया तू अब तो वजा. ओ मेरे सोना रे सोना एक मैं और एक तू आई मेरे बारात अकेली है बुझ गए दिए दिल चीज क्या है अभी ना जाओ छोड़ के लेके पहला पहला प्यार लेकर हम दीवाना दिल चाजी मैं हारी चलो आगे भी जाने न तू दुनिया में लोगों को जरा सा झूम मेरा दिल यार का दीवाना मिल गया हमको शादी डल गया दिन ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा बली बली सी एक सूरत एक हसीना दी आओ ना गले लगाओ ना ये है रेशमी ओ हसीना जुल्फो वाले दो लफ्जों की है बरदे में रहने दो ओले ओले चलो मेरे साजना ओ मेरी सोनी इन आँखों की मस्ती आज रपट जाए तो रात बाकी खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे ये रात ये मौसम ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी बेचारा दिल मुझे रंग दे ओ साथी चल आप यहाँ आए ये दुनिया वाले ओ जादीरे जब छाए मेरा जादू हंगामा हो गया मेरे बेरी के बेर मत तोड़ो रात के हम सफर दीवाना हुआ बादल ताकि ओ ताकि रोज रोज आंखों तले उड़ जब जब जुल्फे तेरी कतरा कतरा मुड़ मुड़ के न देख वो निगाहे मजता नायक परदेसी मेरा दिल ले गया सुन सुन दीदी जाइए आप कहाँ जाएंगे प्यार जिंदगी है दैया ये मैं कहाँ घर जाएगी तर जाएगी ले जाएंगे
के इशारों इशारों में कब के बिछड़े हुए प्यार का दर्द है। मुझको ठंड लग रही है भी पावर यार की खबर मिल गई। पान खाए सैया मारो चाकू छुरिया तेज कर लो सारे के सारे आधा है चंद्रमा। जाने मन हरे राम हरे कृष्ण जाने मन तेरे दो नयन ना जा आजा। मैं हूँ प्यार तेरा जब अंधेरा होता है मांग के साथ तुम्हारा भवरा बड़ नादा। तेरी रब ने बना दी जोड़ी दे दे प्यार दे इंतहा हो गई। ठंड ठंड पानी दे नमी नडी का हम दम मेरे हाथों बाहों इस दिल में पल लटके तुम जियो हजारों साल। मेरा कुछ सामा चंदा मामा दादी अम्मा निगाहें मिलाने को गुरिया कहाँ तेरा हमको तो यारा। हम किसी से कम नहीं सारे शहर में जीना क्या अजी चुरा लिया है तुमने जो दिल को। ऐसा कभी सुना है आपने दीदी इसके पहले? नहीं कभी नहीं सुना। ये बच्चा भी कमाल है कार्तिक ना, ये खुद ही बनाया है वो मेरे ब्रेथलेस के उसमें आपके 100 गाने रख के। बस ये हमारे तरफ से एक छोटी सी भेंट है आपको, मतलब ये आपके 100 सॉन्ग्स का एक ऐसे ही एक मेडली। कम ऑन कार्तिक गो फॉर इट। थैंक यू सो मच आशा जी। आई होप आपको हम SMA की तरफ से ये ट्रिब्यूट पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच शंकर जी। अमेजिंग कार्तिक अमेजिंग। थैंक यू। बट ये सुन के मतलब हमारे दिमाग में आता है कि क्या क्या इन्होंने गाया है, क्या क्या गाया है। एग्जैक्टली हम 12,000 में से सिर्फ 100 ही गाने डाल पाए। तो थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशुतोष गोयल जो कि WinWire Technologies हैं। WinWire Technologies supporting Inspire India project in collaboration with SMA. Requesting Ashutosh ji to kindly speak a few words about what made them support Inspire India project. Absolutely. Thank you very much, Karthik. Adarniya Asha Bhosle ji, Maniye Shankar Mahadevan ji, Shridhar, aur sabhi upasthit atithiyon ko mera aur WinWire parivar ki taraf se sadar pranam. We are simply honored to be part of this event. We feel really privileged and honored. Thank you very much for inviting us. We believe that technology can transform lives, and we like to work with organizations that are purpose-driven. And we couldn't find a better scenario than where we are today. As you said, Mr. Mahadevan, that you know, music can really transform lives. And I truly believe in that. So we are really proud to be supporting the Inspire India project. I think that's a great initiative that you guys have taken. We again feel that it's very well aligned with our purpose-driven innovation opportunity. And I'm so glad that Sridhar, we got connected onto this one. Thank you for the opportunity, Mr. Mahadevan and Sridhar. It is our privilege and honor. And I don't want to take any time away from such a wonderful evening that you guys have put together. So I just want to say thank you very much. Really a pleasure and honor to be here. Thank you so much, sir, for your support. Thank you for your support. Had not been your support, you know, this wouldn't have happened. Thank you so much. It's our honor and privilege, as I said. Thank you very much. And thank you, Ashu. Thank you so much. Thank you for coming. Absolutely. Thank you so much, Ashutosh ji. तो चलिए हम हमारे इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंसेस सुनने की तरफ बढ़ते हैं, और उसके पहले हम एक छोटी सी प्रेयर सुनेंगे हमारे एकेडमी की टीचर अरुंधति दाते जी द्वारा। इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट में लाइक आप सभी को पता है अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए शंकर महादेवन एकेडमी अपनी तरफ से हमारे सारे ट्रस्टी मेंबर्स वो सब कुछ करते हैं जिससे कि उन बच्चों के पास जिनके पास भले ही पैसे नहीं है वो फिर भी म्यूजिक की नॉलेज हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट एक इंक्लूसिव प्रोजेक्ट है जो कि छोटे से छोटे बच्चे 4 साल के बच्चे से लेकर हमारे आप आगे सुनेंगे एक सबसे बड़े बच्चे जो दिल के सबसे छोटे से छोटे हैं वहां तक हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उन तक म्यूजिक पहुंचे। तो आइए एक प्रेयर से हम स्टार्ट करेंगे इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट की इस जर्नी को। Ooh.
यू सो मच अरुंधति जी, रियली इट वॉज सो पीसफुल जिस तरह से आपने ये प्रेयर किया, एंड वी ऑल प्रे फॉर सबका गुड हेल्थ। एंड अब हमारा फर्स्ट जो पहला गाना है, जो हमारे 4 से 7 साल के बच्चे जो बडिंग सिंगर्स हैं 4 to 7 years old, उनका हम फर्स्ट गाना सुनने वाले हैं इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट में, जो हमारे साथ सीखते हैं। और ये गाना है जिसे हम कहते हैं बजिंग बीज। ये एक अडेप्टेशन है एक हिंदी सॉन्ग आवारा भवरे हौले हौले गाए, उस गाने का। और इस गीत के जरिए हम छोटे बच्चों को 7 सुरों से परिचित कराते हैं, जो कि जैसे आशा जी और शंकर जी ने कहा कि किसी भी म्यूजिक के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है, फाउंडेशन है, जिसके बिना हम म्यूजिक सीख नहीं सकते। तो इन 7 सुरों से हम उन्हें इस गाने के थ्रू परिचित कराते हैं। ये गाना गाने वाले हैं निलभ, तिथि, आदर्श, सुदीक्षित, आराध्या और मृन्मयी। The Inspire India Project is making music learning accessible to communities across Mumbai's neighborhoods of Dharavi, Sayan, Chembur and Govandi. Aaiye sunte hain Buzzing Bees. इतना क्यूट परफॉर्मेंस हमारे बच्चों ने दिया, आप सबने देखा कितनी खूबसूरती से इन्होंने गाया। इनफैक्ट जावेद जी वन सेड दैट लर्निंग टू सिंग और प्ले एन इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स चिल्ड्रन टू फाइंड देयर वॉइस, इट टर्न्स देम इनटू वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स, उन्हें कॉन्फिडेंट और सोशली हेल्दियर एंड हैप्पियर बनाते हैं। और आई थिंक इस वीडियो देखने के बाद सभी के चेहरे पे एक स्माइल आ गई है। I would request Janaki Hari ji, one of the trustees at Govandi Education Society, who has been instrumental in taking music to the students of Govandi, speak about how much music has impacted the lives of students. Janaki ji. Janaki ji, are you able to join us? ओके एक काम करते हैं, जैसे जानकी जी हमें ज्वाइन करेंगी हम उन्हें दोबारा से नेक्स्ट परफॉर्मेंस या समथिंग। यस, तो अभी आपने इतने छोटे बच्चों का जो गाना सुना, एक और एक छोटे से बालक हैं अवीश कुमार, और आइए उनकी जुबानी सुनते हैं कि वो किस प्रकार अपनी मदर से प्रेरित हुए यानी इंस्पायर हुए। नमस्ते, माय नेम इज अवीश कुमार सोनी एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एसएमए। फ्रॉम चाइल्डहुड आई हैव बीन लिसनिंग lullabies and poems sung by my mother, and I have always an interest of singing. I thought always I should learn more languages of songs and how to sing them fluently. Then one day at my school, one of friend of mine told me that a musical class called Shankar Madhavan Academy has been opened in our school. That was the exact moment I decided I should join the music class and see how much I can learn more in singing. Well, it has been 3 years since I joined SMA and it has been a wonderful experience for me. I have learned Japanese, French, Russian, Kashmiri, and how to sing them perfectly and fluently. I have also got some chance to perform in some of the programs of SMA.
and that has gave me the courage to sing in front of the crowd. Now I feel very nice when I go to SMA and sing and learn new songs. so sweet. I think Janki Hari ji has joined us now. Janki ji, can you unmute yourself? Janki ji, you are on mute. Janki ji, aapka mic mute par hai. Yeah, sorry. Yeah, good evening everyone, and Namaste Shankar ji and Namaste Asha ji. I'm very delighted to be here amidst you, all of you. It has been quite some time, and I'm very happy back in, with the Inspire India project. This is quite close to our heart also. And I'm a trustee in Govandi Education Society. And as your vision is to spread the music of joy and music for all, our objective is education for all. So we had a very good team up with you, because you just fell into our umbrella and spreading the music and education to everybody. I mean, nobody should be neglected. Everything is for everybody. So I just want to tell you one nice quote, which I want to dedicate it to Shankar Mahadevan ji and his academy and all the team. This Jnanaya Danaya Charakshanaya, which means, you dedicated your jnan for the upliftment of the society, I think, which the Shankar Mahadevan Academy is doing today, taking their knowledge to every person. And I wish this COVID scenario ends very soon and we are back and our center is up and running once again with all of you. Thank you so much, Janki ji. Yeah, it's a privilege. Thank you so much. Thank you so much, Janki ji. Inspire India ka maksad hai कि संगीत सीखना हर इंसान के पहुंच के अंदर हो, और जो भी जिनके पास पैसे नहीं है वो भी संगीत सीख पाएं। तो आज हमारी ऑडियंस, आप सभी के पास जो फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास एक सुनहरा मौका है कि वो डोनेशन करके कई जिंदगियों में संगीत की बाहर ला सकते हैं। तो दिल खोलकर डोनेट कीजिए, एक लिंक पिंड है हमारे फेसबुक पेज पे, प्लीज आप उस पे जाइए एंड यू कैन डोनेट देयर। उसी के साथ हम आवारा भवरे से चलते हैं वर्ल्ड म्यूजिक जॉनर की तरफ। Karthik, once again. So Jee. After this next performance, we have to say goodbye to Didi, because she's been there with us for a long time. So Didi, ye performance sunke hum aapko goodbye bolenge. To jaane se pehle main chahunga ki aap do shabd hamare bachchon ko ke liye kuch boliye, unko aashirwad dijiye. Ye gaana sunte hain, uske baad aapke paas aate hain. Okay, let's go. तो ये गाना इनफैक्ट एक ऐसा गाना जो सुन के मैं बहुत श्योर हूँ आप सब लोगों को कुछ ना कुछ एक धुन कनेक्ट होगी। ये गाना प्रेजेंट करने वाले हैं अवीश कुमार सोनी, निषाद, ओम निर्मल, परिणीता, प्रणव, रोहित, समृद्धि, वानती, वेदांत, यश पंचाल और तरण शाह। लेट्स हैव द सॉन्ग। Yeah.
वेरी गुड सो दीदी कहाँ से गा रहे हैं बोलो जी जी कहाँ से गा रहे हैं कार्तिक जानकी कैन यू टेल आशा जी ये हमारे मुंबई सेंटर्स जो हमारे मुंबई सेंटर्स हैं ये वहां से हमारे बच्चे ये ज्वाइन करके एंड हमने उनका ये वीडियो कोलाज बनाया है लेकिन सब अलग अलग जगह से गा रहे हैं हाँ सभी अलग अलग उसको रिकॉर्ड किया सब साथ में लाया एक गाना बना के और यू नो लास्ट में देखिए हर फिल्म गाना भी हो ना उसका हम लोग उसको सरगम सिखा दे सिंपल चीजें है दीदी तो यू नो आज आपने हमको ये वक्त दिया ये मैं जाहिर नहीं कर सकता हूँ कितना खुश हूँ मैं और मेरे पूरी टीम मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो ये एकेडमी खोली है और जो संगीत के लिए काम किया है ऐसा काम बहुत सिंगर हुए हैं यहाँ पर बहुत म्यूजिक डायरेक्टर्स हुए हैं किसी ने नहीं किया फिल्म लाइन के आर्ट वो आपने काम किया है और ये काम इतना बड़ा है कि मैं देख रही हूँ कि कहाँ से बच्चे आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे बड़े तो ये एकेडमी बहुत बड़ी बनी और बड़ी बनी और मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा बड़ी ये एकेडमी होगी और आप बन जो शंकर महादेवन जो हैं वो महादेवन है शंकर भी वही है और बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर जगह पे शंकर जी नहीं सिखा पाएंगे लेकिन सब जितने भी उनके टीचर हैं कुछ भी हैं वो एक बात कायम रखकर करें कि आ ई ओ ये हमारे जो वो है साउंड है वो गाने में बहुत मायने रखता है अगर आपने आ कहा है तो आ ही करना चाहिए आ के जगह अ नहीं करना चाहिए नी के जगह नी नहीं करना नी ऐसा नहीं करना चाहिए नी करना चाहिए री नहीं करना चाहिए रे करना चाहिए मा पा तो ये जो अपने सरगम को जैसे बताते हैं तो गुरु को बच्चों को सीखना चाहिए पहले आ सा मुंह खोल के सा करना चाहिए ये सबसे बड़ी बात है कि और उसी सा को ऊपर के साथ तक वैसा ही रखना चाहिए मुंह को आ रखना चाहिए तो ये बहुत गाने वाले के लिए और अभी तो छोटे बच्चे हैं बीच के मतलब मिडिल एज के होंगे बुढ़े भी होंगे कोई लेकिन सबसे बड़ी भावना है कि गान राग में भी भावना है हर राग में हर सुर में भावना है जो जैसे क्या बोलते शंकरा है एकदम ये राग है मालकंस है पुरुषी राग है तो उसका जो भाव है वो गाने में आना चाहिए और जैसे कोमल सुर के गाने हैं राग है तो उनमें कोमलता आनी चाहिए कहाँ सॉफ्ट करना चाहिए कहाँ लाउड करना चाहिए ये मास्टर लोगों से उनको सीखना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए एक घंटा कम से कम खुद के लिए छोड़ना चाहिए गाने के लिए कितना भी बिजी हो आदमी एक घंटा निकाल सकता है तो वो करके उनको रियाज करना चाहिए और अच्छी तरह रियाज करें तो सभी आशा भोसले बन जाएंगे वो तो कभी नहीं होगा दीदी आप जैसा कोई बन ही नहीं सकता लेकिन आपने जो आशीर्वाद दिया है वो बहुत 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 बड़ी बात है मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं आपको थैंक यू बोलने के लिए इतने 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 मिलियन थैंक यू आपने आके ये प्रोग्राम का जो लेवल है उसको एकदम बढ़ा दिया सबको आपका आशीर्वाद मिला थैंक यू सो मच मैं जानता हूँ आपका हमने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया है आपकी आवाज भी यू नो थक गई है बट यू नो थैंक यू सो मच श्रीधर वुड यू आल्सो लाइक टू थैंक दीदी अच्छा दीदी आहा अब
आपका सर नीचे कीजिए तेरे जीते रहिए और राम ऐसे करते जाइए और संगीत की सेवा भी ऐसे करते जाइए आपका सपोर्ट चाहिए हमेशा आपका सपोर्ट चाहिए बस थैंक यू दीदी थैंक यू दीदी बाय थैंक यू Thank you so much, Asha ji. Hi, Yero. That was amazing. Hi, Yero. need your blessings, Asha ji. Thank you. Karthik, you earned your stripes today. Thank you so much. Okay, Asha ji ki blessings ke saath, hum aage badhne wale hain ab. Bye bye, Asha ji. You know, you can switch off Ashaji's camera, actually. तो आशा जी के आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे हमारे एक जर्नी एक स्टूडेंट से टीचर बनने की SMA में संकेत जो अपनी जुबानी बताना चाहते हैं कि कैसे वो और उनकी क्या जर्नी रही एक स्टूडेंट से SMA में एक टीचर बनने की Hello everyone, my name is Sanket Mahendra Bhojne. I have been part of Shankar Mahadevan Academy since 2017-18. First of all, I started my journey with Shankar Mahadevan Academy as a student. Now I am Hindustani vocal teacher at Shankar Mahadevan Academy. Kyunki musical family se hi main belong karta tha, bachpan se hi mujhe music sunna bahut hi zyada pasand tha. Mere pardada ji, Sri Savleram Bhojne, Pune ke bahut hi prasiddh shehnai vadak the. Mere pita ji, महेंद्र भोजने कीबोर्ड प्लेयर थे मेरा भाई तबला बजाता था ऐसे ही हमारे घर में म्यूजिक का माहौल था 9th स्टैंडर्ड तक मैंने कुछ भी म्यूजिक सीखा नहीं था लेकिन 10th स्टैंडर्ड में मैंने हारमोनियम सीखना शुरू किया मेरे गुरु श्री रॉबिन घोड़ के सर के पास उसके बाद मैंने 12th साइंस किया और इंजीनियरिंग कॉलेज के एनुअल फंक्शन में मैंने अपनी जिंदगी का पहला सॉन्ग गाया जो था शंकर सर का सूर्य निरागस हो सभी को बहुत पसंद आया सबने बहुत तारीफ की उस गाने के लिए मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला उसी समय मुझे पता चला कि मेरे स्कूल में DS हाई स्कूल में शंकर महादेवन एकेडमी स्टार्ट हुई है मुझे भी उसमें ज्वाइन होना था पर उस समय एकेडमी सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए ही ओपन थी पर जब 2017-18 में इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उस समय मैंने वोकल सीखने के लिए और पियानो सीखने के लिए शंकर महादेवन एकेडमी ज्वाइन किया शंकर महादेवन एकेडमी में एज अ स्टूडेंट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है सभी टीचर्स सभी स्टूडेंट्स के साथ घुल मिल कर रहते थे सभी स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते थे 2018 में मेरे जिंदगी के दो सबसे सुनहरे दिन आए फर्स्ट जब मैंने 26/11 को शिवम के साथ गेटवे ऑफ इंडिया में एक गाना गाया और सेकंड जब दिसंबर में मेरे इंस्पिरेशन द लेजेंड शंकर महादेवन सर के साथ मैंने एक सॉन्ग गाया था वो भी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने वो दिन मैं कभी भी भूल नहीं सकता ऐसे में मैं सीखना जारी ही था उसी समय मैं डिप्लोमा इन म्यूजिक कर रहा था मुंबई यूनिवर्सिटी से और साथ ही साथ मैं SIS स्कूल में म्यूजिक सिखा रहा था 2019 में रितिका मैम ने मेरा नाम रिकमेंड किया SMA में एज अ म्यूजिक टीचर के लिए जिस एकेडमी में मैं स्टूडेंट करके ज्वाइन हुआ था उसी एकेडमी में मुझे टीचर के लिए ऑफर किया गया ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी आई वुड लाइक टू थैंक्स रितिका मैम श्रीधर सर शंकर सर मेरे गुरु अर्चना मैम देवेश्री मैम मेरे पियानो सर चिन्मय सर जिन्होंने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है और जिनसे मैं हमेशा इंस्पिरेशन लेता रहा हूँ थैंक्स टू माय पेरेंट्स फॉर सपोर्टिंग मी इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट में शंकर महादेवन एकेडमी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है एज अ स्टूडेंट हो या फिर एज अ टीचर हो मैंने खुद को कभी टीचर समझा ही नहीं मैं खुद को एक स्टूडेंट ही समझता हूँ समझता रहूँगा और बहुत ही सीखना है इसके लिए आप सबका आशीर्वाद जरूरी है सभी गुरुजनों का आशीर्वाद की जरूरी है थैंक यू सो मच दैट वाज रियली रियली स्वीट
इनके जर्नी कैसे एक स्टूडेंट से एक टीचर बने ये समय में. संकेत थैंक यू सो मच. और अब यू नो ये बहुत ही एक यूनिक बात है हमारी कंट्री की कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पे दो प्रकार के शास्त्रीय संगीत मौजूद है, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत. तो अब हम हमारे बच्चों को वर्ल्ड म्यूजिक सिखाते हैं, छोटे बच्चों को किस तरह से म्यूजिक इंट्रोड्यूस कराते हैं. तो अब हमारे इंस्पायर इंडिया के स्टूडेंट्स हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सीखे हुए बंदिशों और तरानों की प्रस्तुति करेंगे. और हमारे स्टूडेंट्स हैं दीक्षा, संगीता, श्रेया और स्वरांगी. हिंदुस्तानी वोकल प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स ऑफ इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट. अगला वीडियो जो आप देखने वाले हैं उसमें जो स्टूडेंट्स हैं आप सभी ने इनको स्टार प्लस के रियलिटी शो तारे जमीन पर जरूर देखा होगा क्योंकि उनके मेंटर हमारे शंकर जी उनके साथ थे उस शो में. इन सभी को शंकर महादेवन अकेडमी की तरफ से 3 साल की स्कॉलरशिप मिली है अंडर द इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट एंड टाटा ट्रस्ट एंड SME की तरफ से टैबलेट्स भी मिले हैं. आइए सुनते हैं उनका पहला गीत राग वृंदावनी सारंग में कलना परे. Pani pani pa ma pa, niza niza ni pani, pani za niza.
sa sa ni fa ma re sa sa ni ba ma re sa ka le na pa re sa ki re ka le na pa re ho he sa ki piya bina reh sa वाओ। इसके बाद एक और प्रस्तुति तारे जमीन पर के बच्चे हमारे लिए जो अभी करने वाले हैं वो है राग निया मल्हार ने, और ये गाना बहुत ही पॉपुलर है और हम सभी ने इसे बहुत सुना है, बोले रे पपीहरा। आइए सुनते हैं तारे जमीन पर स्टूडेंट्स की आवाज में। Such a nice performance by our Tare Zameen Par Students Kit, जिसको शंकर महादेवन अकेडमी की तरफ से 3 साल की स्कॉलरशिप मिली है और SMA एंड टाटा ट्रस्ट की तरफ से इन्हें टैबलेट्स भी मिले हैं। तो थैंक यू सो मच टाटा ट्रस्ट एंड द शंकर महादेवन अकेडमी ऑफकोर्स कि इन बच्चों को 3 साल की स्कॉलरशिप हमने इनको दी है। थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूंगा कि हमारी एक इंस्पायर इंडिया की स्टूडेंट मनप्रीत वो हमें ज्वाइन करें। शंकर जी, मनप्रीत हमारे इंस्पायर इंडिया स्टूडेंट की प्रोजेक्ट की एक स्टूडेंट है और वो उनका आपके लिए कुछ एक सवाल है। तो मनप्रीत, आर यू देयर? यस, हाय मनप्रीत। हेलो सर, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। यस सर, मुझे आपसे जानना था कि आप हम किस तरह से क्लासिकल म्यूजिक को आप पॉपुलर म्यूजिक में अप्लाई करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे हो, तो मेरा ये सवाल आपसे था। सर इज म्यूटेड। यस, वो क्या है, यू हैव टू अनम्यूट मी अदरवाइज आई कांट। सो हाउ आर यू? क्या नाम है सर? माय नेम इज मनप्रीत कौर। मनप्रीत, आपका सवाल बहुत अच्छा है, मतलब सिंपल चीजें हैं। यू नो, आप जब क्लासिकल म्यूजिक सीखते हो, यस सर, बेसिकली ठहराव, सुर का जो ठहराव है ना, उसके वजह से आप आपकी आवाज जो है, अभी देखिए मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर समझो आप एक क्रिकेटर हो, आप एक फुटबॉलर हो, तो आपको डायरेक्ट तो मैच नहीं खेल सकते हो, है ना, पहले तो आपको वहां पर जाना है, आपको ग्राउंड में जाना है, पहले जॉगिंग करना है, बाद में बेंडिंग करना है, स्ट्रेचिंग करना है, फिर बॉल को कैसे पकड़े, कैसे लात मारने का जो टेक्निक है वो सब सीखना है। वो 1, 2, 3, 4 साल के बाद आपको एक मैच खेलने का मौका मिलता है। सिमिलरली जैसे आप क्लासिकल म्यूजिक आप अगर आप सीखोगे और आपका जो सरगम्स हैं जो ये सब जो एक्सरसाइजेस जो है ना, आपकी आवाज मैकेनिक्स जो है आपकी आवाज, yes, sir, वो उसको वो और डेवलप करके एकदम स्मूथ बना देता है।
फिर बाद में आपको, आप जब जब गाना गाओगे तो आप ये जो मैकेनिकल डेवलपमेंट जो होता है, फिनिश जो होता है शास्त्रीय संगीत सीखे, फिर आप उसको किसी में भी अप्लाई कीजिए। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, ये हरकत अगर आपको ठीक से गाना है तो आपको शास्त्रीय संगीत सीखेंगे तो आप आराम से गा सकते हैं। तो हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक का जो ग्रामर है वो क्लासिकल म्यूजिक है। हाँ मनप्रीत। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शंकर जी। हम सभी के लिए ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग के लिए चीज़ें हैं, थैंक यू सो मच। जैसे मैंने पहले भी कहा था, सभी लोग जो हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर रहे हैं, यू ऑल हैव अ चांस टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स थ्रू म्यूजिक। व्हेन यू साइन अप फॉर अ कोर्स, यू ऑटोमेटिकली फंड अ कोर्स फॉर अ चाइल्ड। इसीलिए हम कहते हैं इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट एक इंक्लूसिव प्रोजेक्ट है जिसमें आप सब भी भागीदार बन सकते हैं। तो प्लीज़ दिल खोलकर डोनेशन कीजिए, और जैसे ही आप एक कोर्स पे साइन अप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक बच्चे के लिए एक कोर्स को फंड करेगा। सो प्लीज दिल खोल के डोनेशन कीजिए एंड साइन अप फॉर अ कोर्स। द उर्दू वर्ड सजदा मींस अ पोस्चर इन प्रेयर वेयर वन बेंड्स वन्स हेड इन सबमिशन टू गॉड। सजदा इज कंसिडर्ड द अटमोस्ट स्टेज ऑफ डिवोशन टू अ मोर डिवाइन बींग। सजदा इज अ फाउंडेशन ऑफ इंक्लूसिवनेस, because we shed aside all the small talk and petty divisions we form in our heads and touched our truest selves. Sajda, therefore, is being as human as you can be. Prasut karte hain Sajda by Shankar Ehsaan Loy and Chhap Tilak, a Sufi composition. Aur in sabhi ka ek unique medley hamare bachche jo ab pesh karne wale hain, wo hain Anushka, Shreya, Suhani, Shraddha, Saisha, Ankita, Sneha, Neha, सुषमा, करुणा, आस्था, प्राची, टीना और शशि। लेट्स हैव द सॉन्ग। Hey, 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 hey
That so was cute, such a rocking so performance. Cute, so cute. Wonderful, yeah, wonderful, wonderful. Thank you so much, Shankar ji. अब हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा, पर हमारी एक आई थिंक आईआईपी की सबसे पहले से जो जुड़ी हुई है टीचर अर्चना, तो अर्चना का एक छोटा सा एक वीडियो देखते हैं, देखते हैं अर्चना क्या कहना चाहती हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज अर्चना कामत हिरवेकर एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट सिंस इट्स इंसेप्शन एंड आई थिंक द जर्नी सो फार हैज बीन वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी एज एन इंडिविजुअल and as a teacher, mainly because this project aims at bringing out the joy of music in everybody. It's open for all, whether or not you are good at singing, whether or not you have learned music before. All that matters to us is whether you want to really learn music or no. And it's open for all age groups, whether you are 3-year-old or whether you are as old as young as 80, 90s. So, I think all this while, for me as a teacher, I have got a chance to be with students who have been so wanting to learn music, who have not had resources, who manage a lot of things, their work, their housework, and still they take out time to practice music. I think it's inspiring for all of us because we complain that we don't have time, but when I see these students, you know, working at the same time managing their practices, I think it's very inspiring. It has been very inspiring for me as a teacher. We have had kids from the Teach for India group and they are just amazingly talented, and the joy that I get when I get to teach these kids who are so disciplined, who are so wanting to learn music from their heart. I think nothing can be more better than that. I'm really happy that through this project we are touching so many lives and inspiring so many people, and it's benefiting a lot of people. Thank you so much, Archana. I think Archana has joined us here. Hi, Archana. Hi. Hello, Shankar sir. Hello, Sridhar sir. I can't what can I say? Archana is such an important member of the Inspire India project, and you know, you're the one who's made it happen, Archana. Thank you so much. That's and for people who are seeing and listening, Archana is not only a wonderful teacher, she's an amazing singer. Now she's also a composer. She's composing for a film. I've got a chance to sing in that film. So, yeah, congratulations. Wow. Thank you so much, Archana. Thank you so much. Fantastic. Come on, Karthik, let's go. Yeah. Thank you so much, Archana. जैसे सर ने बात किया फिल्म्स का, तो हमारे फिल्म्स की पॉपुलैरिटी किसी से छुपी नहीं है. इनफैक्ट आशा जी ने लगभग 12,000 गाने गाए हैं फिल्मों में. ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारे कल्चर का एक अटूट हिस्सा है हमारी फिल्मों का म्यूजिक. तो अब पेश करते हैं हमारे इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स, जो कि एक फिल्म सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे, और ये प्रस्तुत करने वाले हैं अमर, दिवस, गौतम, श्रीराम और अश्विन भगत. चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए. चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए. मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए. ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए. ये मस्ती के नजारे हैं, तुम से मैं संभलना कैसे.
ऐसा मेरी कसम तू लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए कभी मैया छुड़ा लेगी कभी हंस के गले से लग जाएगी हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी वो सच्चे झूठे बहाने भी हो चला जाता हूँ किसी के दम में रखते दिल के तराने लिए सपने सुहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए ला 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 हे 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 ओ हो 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 हे 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 La 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 la. वाह, ये तीन हसमुख चेहरे देख के रियली इतनी बड़ी स्माइल आ गई हम सभी के फेसेस पे. इनफैक्ट मैं इस मोमेंट पे बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जुड़ रही हैं उमा वेंकटाचलम जी. उमा वेंकटाचलम जी के हस्बैंड के डेथ एनिवर्सरी पे उनकी याद में एक इवेंट हुआ था 29 अक्टूबर को, जिसमें हमारे इंस्पायर इंडिया स्टूडेंट दिवस कुमार जिन्होंने अभी परफॉर्म किया, जो इंडियन आइडल के पार्टिसिपेंट भी रह चुके हैं, उन्होंने परफॉर्म किया था. एंड उमा जी हैज मेड अ जेनरस डोनेशन टू सपोर्ट द म्यूजिकल जर्नी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट. उमा जी थैंक यू सो मच एंड आई वुड लाइक यू टू स्विच ऑन योर वीडियो एंड आप प्लीज कुछ कहें. गुड इवनिंग. वंडरफुल एक्सपीरियंस आई बीन एक्सपीरियंस नाउ इन द सिंस इवनिंग. आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ शंकर महादेवन. नाउ आई एम सो प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड दैट यादे प्रोग्राम विच वाज क्रिएटेड फॉर माय मेमोरी ऑफ माय लेट हस्बैंड. यू नो आई कैन नेवर नेवर forget about it. Just like my husband remains ever a memory in my mind. The same way, Yade, this is such a wonderful way it was brought out. And Divas Kumar, who sang for my husband's favorite songs, he was a fan of Mukesh and he used to sing Mukesh songs. I'm so blessed to be a part of this. And thank you one and all for all this time, especially Shankar Mahadevan to inspire so many children who had a passion for music and bringing it and showing all the talent to this world. I'm very grateful to you. Thank you, sir, so much. Thank you so much, Umaji. In fact, we would really like to thank you.
कि आपने जो जेनरस डोनेशन किया है रियली रियली मींस अ लॉट टू अस. थैंक्स, थैंक यू सो मच. आई विल कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ दिस वन श्योरली. व्हाटएवर इज बेस्ट पॉसिबल वे आई कैन हेल्प यू ऑल, आई एम रेडी टू डू इट, यू नो. एंड इट इनफैक्ट आई थिंक सो माय हस्बैंड सोल हु इज बीन वाचिंग दिस विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू बी देयर. थैंक यू सो मच. Thank you, Ji. Thank you, Uma Ji. Your participation, your association, your contribution, and your love for the academy means the world to us. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू. इनफैक्ट उमा जी ने जिस स्टूडेंट के बारे में बात किया दिवस, तो दिवस भी हमें ज्वाइन किए. दिवस, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस मोमेंट पे? यस. सबसे पहले मेरे सर हार्ट बीट इतने बढ़ गए हैं शंकर महादेवन सर को लाइव देख करके. ये मेरे सर आज तो मेरे दिन बन गए. मैं दो शब्दों में कुछ कहना चाहूंगा सर. मैं आपके बहुत बड़े फैन रहा हूँ, हमेशा हूँ. मैंने आपके बहुत सारे फिल्मों पे देखा, आज मैं लाइव देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जस्ट ये सपना है मेरे लिए. ये बहुत बड़ी मेरा दिन है, ये मेरे लिए हमेशा सर यादगार रहेगा. और मार्गदर्शन मुझे इतने अच्छे मिले. आई लव टू थैंक शंकर महादेवन एकेडमी और इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट जिसमें मैं सीख रहा हूँ, और इतने अच्छे मार्गदर्शन मिले सर. मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू बेटा. ऐसे जुड़े रहना, ऐसे प्यार देना, बस सर बिल्कुल खुशी खुशी आगे चल के. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच दिवस. थैंक यू सो मच शंकर जी. थैंक यू सो मच सीमा जी. थैंक यू. सिर्फ अब तक तो हमने गाने सुने, लेकिन सिर्फ गायन में ही नहीं बल्कि वादन में भी इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है. तो अब जो हम नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस पेश करने वाले हैं वो हमारे अमेजिंग परफॉर्मेंस जो कि इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं हमारे साथ. द परफॉर्मर्स विल बी रोहित, जिन्होंने ट्रिनिटी इनिशियल ग्रेड स्टूडेंट स्टिक इन हैट, नवीन कार्तिक, अनुराग गावंडे, श्रेयस कुंभार एंड रोहित दिगंकर. Shreyas Kumar and I learned
piano in Shankar Mahadevan Academy, and today I am going to play Trinity Grade 2 piano piece Persian Holiday. Thank you so much. SMA and Tata Trust have sponsored guitar and piano to students from Inspire India Project to appear for the Trinity grade exams. We are happy to share that some of our kids have cleared the level 1 and level 2 exams of Trinity School of Music. At this juncture, I'd like to call one of our instrumental students, Rohit. Rohit, kya aap hai yahan par? Can you unmute yourself and your video? Yes. Hi, Rohit. Hi, sir. So, Rohit, आपने Trinity Music School of Music का exam दिया, तो हम आपसे दो चीजें जरूर पूछना चाहते थे कि एक तो कैसा लगा, how was it and how did it feel to appear for the Trinity exam, and sheet music is उसको जो read करने की ability है, उसको आपने कैसे pick up किया? If you would tell us a bit about that. सर बहुत जेनरस थे और जब उन्होंने मेरे को बताया कि ट्रिनिटी है तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होता है ट्रिनिटी एंड ऑल, तो उन्होंने मुझे एक दिखाया वेबसाइट पे कि ऐसा होता है, सो सर बोले कि चांस ले ले और कर दे, तो मैंने वैसे ही चांस लेके ग्रेड वन कर दिया. और सर बहुत मतलब बहुत जेनरसिटी से सिखाते हैं, मतलब डांटते नहीं. क्या नाम है आपका सर का बेटा? आपका सर का नाम क्या है? धवल सर. Such an amazing guy he was, and it's like very so. वो जब स्ट्रीट म्यूजिक सिखाते थे तो बहुत आसानी से सिखाते थे और सब आता था, मतलब पहले पहले कुछ नहीं आता था, बाद में. रोहित आप कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो रोहित आप? धारावी. Very excellent. We are so proud of you, Rohit. So proud of you. Thank you, sir. God bless you. Thank you so much, Rohit. Thanks a lot for joining in. अभी जब रोहित से हमने बात की है तो चलिए एक और एक छोटा सा एक वीडियो देखते हैं हमारे टीचर एंड स्टूडेंट चिन्मय एंड नवीन का, देखते हैं उन्हें क्या कहना है. नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज चिन्मय नरेंद्र वैद्य एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ शंकर महादेवन एकेडमी इज इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय टाटा ट्रस्ट. माय जर्नी विद इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट बिगन इन 2017 in DSI school, Sion, Mumbai. As part of Shankar Mahadevan Academy and Inspire India project, I got an opportunity to become a music instructor for students from my own school. I have been part of DSI school as a former student. And as a student, I have always aspired to have a musical curriculum where we can explore the journey in music through instruments like piano and guitar. And through Inspire India project, I got an opportunity to educate these young minds from my own community to give them a better understanding of the subject. I got an opportunity to design a curriculum for guitar and piano in Inspire India project. Through this, we also educated students and inspired them to get Trinity College of London certification for their better future in the coming time, which will help them for their further education. Students in Inspire India project have been an inspiration for me as a teacher. They have taught me
perseverance and patience at its core. As a student, these are the two things that I lacked. But as a teacher, I got to give immense gratitude to my students for giving me an opportunity to educate them and to be a better person as I am today. Thank you. Hi, I am Narendra Digmohan, studying 5th standard in IES B.M. Chole Guruji English High School, Dadar. I was very fond of practicing gymnastics, but now I am crazy about playing piano. This interest got arose because of my mother. Once she took me to a music show where I thrilled to see the music player playing guitar, where they hold the instrument, and the moment I liked it, I asked my mother to get the admission in a music class. She came to know about Shankar Mahadevan Academy from her friend. She went to get the admission. As that time I was too small for guitar classes, she took admission in piano. That time I did not like to play piano. Slowly, when I continued to the classes, I started enjoying the classes. The love for piano came into me. Nowadays, when I hear some songs, I like to hear piano songs. With the guidance and support of Chinmay sir, I am able to give Trinity initial grade exam in piano. After giving this exam, I felt very happy and I will try to complete the other levels also. Music has taught me to have patience in me. The love for music has increased. Earlier I would skip the songs in the movies, but now I enjoy hearing music. This is all because of Chinmay sir and Shankar Mahadevan Academy. Thank you. Wow, that was such a sweet and heartfelt message from our little master there. Thank you. This is so inspiring, Karthik. The young maestros, you know, this is how they start off the interest developing the hacks. Really, really, hats off to our teachers. Hats off to Inspire India Project. Really, I mean, feeling is so, you know, fulfilling. Thank you so much. Thank you so much, Ankaji. And in fact, the words joy of music, I think bilkul sahi jis tarah se jo vision hai academy ka, wo puri tarah se aata hai bahar, ki jaise aapne kaha ki how this happy is joy of music gone into another level actually. As absolutely. Yeah. Absolutely, sir. Thank you so much. Hamare mukhy trustee Raju Pradhan ji and Harshvardhan Dikshit ji ka bahut bada yogdan raha hai Inspire India Project mein. Unhone bahut generously एक पियानो डोनेट किया है इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट के साइंस सेंटर पे. सो थैंक यू सो मच राजू जी, थैंक यू सो मच हर्षवर्धन जी. एंड अगर आप सभी जो हमारे दर्शक हैं जो फेसबुक पर जुड़े हैं, अगर आप भी डोनेट करना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू, यू कैन ऑल्सो डोनेट एन इंस्ट्रूमेंट एंड यू हैव अ चांस टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स थ्रू म्यूजिक. सो प्लीज दिल खोलकर डोनेशन कीजिए. इंस्ट्रूमेंट भी आप डोनेट कर सकते हैं. और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पियानो और कीबोर्ड इसके सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लोगों ने दिखाए हैं जो सीखना चाहते हैं. तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट डोनेट करना चाहते हैं तो यू नो व्हाट यू कैन डोनेट. सो एडवांस में थैंक यू सभी को जो भी अभी हमारे उस लिंक पे जाके डोनेट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. कहते हैं ना कि संगीत सीखने की कोई एज नहीं होती, ये हम काफी बार सुनते हैं, लेकिन चलिए अब देखते हैं. द यंगेस्ट स्टूडेंट्स एट हार्ट perform from the Dignity Foundation Bangalore. Dignity Foundation serves, enriches the lives of and provides shelter and advocacy for senior citizens. It is present in 7 cities: Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Goa, Ahmedabad and Pune. The artists who are performing today are Anita, C.R. Krishnaswamy, Kumuda Malia, Prasad, Shamala,
Shevanti, Sudha, and Kumuda ji once again. Academy का जो this is the greatest achievement यार if you know if we can go and we can bring about happiness even in the senior citizens there were so many senior citizens in this group absolutely and, can you talk about this you did all the work here can you please talk about this who's that Chaitra ji yeah I think I felt it was my privilege to connect to these people who are achievers in different walks of life,
and they really love music, very passionate about learning. So it was not really hard to kind of teach them or train them or interact with them. Was so much of joy and pleasure and fulfillment. So thank you to everyone. Thank you to Arvind ji who made this happen at that time when much before the pandemic we used to go and teach them. So amazing. This was online and this was like really exciting for everyone to explore this medium. So thank you to everyone. For all those people who are watching, Chaitra is such an important pillar of our academy. Chaitra, thank you once again. Take the opportunity to, how many students, how many people of various age categories you have trained and, you know, brought them to the limelight. Thank you once again. Thank you. And a special thanks to Dignity Foundation for allowing us and giving us the opportunity to do this. Thank you so much. Karthik, go ahead. Thank you so much, Chaitra ma'am. Thank you so much, Dignity Foundation. You know, when we share things dear to us, we include others. We share this universe we live in with others. Our bodies too are no exception. Hazaro zindagiyan basti hain jab hum raktdaan karte hain. Kai log hain jo aaj ye duniya dekh pa rahe hain kyunki uski wajah hain wo samvedanshil log jinhone apni netron ko pledge kiya un logon ke liye jo netrahin hain. And many more organs we can share, skin, bones, liver, kidney. The organs donated from one single human being can save up to 8 lives. And organs don't look at religion, caste or creed. Prakriti ne hum sab ko inclusive hi banaya hai. Aur hamari IIP bhi har tarike se inclusive hai. Hamara agla jo set of students hain, jo agli prastuti karne wale hain, इन बच्चों ने मिलकर एक ओरिजिनल गाना बनाया है ऑर्गन डोनेशन यानी अंग दान जैसे संवेदनशील बात पे. आई एम श्योर कि इन्होंने ये जो दिल से बात कही है वो सब आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी. आइए सुनते हैं ये ओरिजिनल कॉम्पोजिशन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ आईआईपी मंगेश मनप्रीत परिणीता एंड प्रणव. उम्मीद की है किरण तू चलता चल तू चलता चल प्यारा सा है जीवन मिलेगा किसी को जीवन दान करेंगे जब हम अंग दान होगा नया हमारे दिल से है पैगाम होगा नया सूर्योदय हमारे दिल से है पैगाम हमारे दिल से है से बड़ा
Wow, that was such a heartfelt song by our amazing students of Inspire India Project. What a beautiful composition. Amazing composition by the students. Yes, original composition by our students. Or in fact, हमारे तीन students IIPK Sion Mumbai Center have won a competition called Music for Change, an initiative organized by Salesforce India. Mangesh, who was one of the singers here and the part of the composing team, he was the winner of the most impactful song. Rohit, he was the winner of best instrumental. And Manpreet, जिन्होंने पहले शंकर जी से एक सवाल पूछा था, she was the winner of the jury award. So Mangesh, I think you are here with us. Can you unmute your video and talk a bit about ये जो जर्नी रही आपकी और आपके साथ जो तीन और हमारे आईआईपी के स्टूडेंट्स जुड़े, आप चारों ने मिलकर इतना इतना एक सुंदर, एक इतनी सेंसिटिव चीज के ऊपर आपने गाना लिखा, तो व्हाट वाज द जर्नी लाइक एंड प्लीज इसके बारे में बताइए. जरूर. फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हेलो. हेलो शंकर सर, हेलो कार्तिक सर, सबको थैंक यू. मंगेश, हेलो. हेलो हेलो सर. सर मैं आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने शंकर महादेवन एकेडमी को ओपन किया, क्योंकि सर मैं ना बहुत दिल से चाहता था कि म्यूजिक सीखूं, पर सर जो मैं जैसे ही सुनता था फीस इनकी बहुत ज्यादा फीस होती थी, तो उस वजह से सीख नहीं पाता था. लेकिन एक्चुअली मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझे शंकर महादेवन एकेडमी के बारे में पता चला, और तब से मुझे मतलब बहुत खुशी हो रही कि आपने ऐसी एकेडमी हम जैसे बच्चों के लिए ओपन की. उसके लिए सो मच सर, दिल से थैंक यू. थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू. और जैसे अभी कार्तिक सर ने क्वेश्चंस किया कि जब ये हम एक्चुअली कार्तिक सर को थैंक यू कि उन्होंने हमें एक गाइडेंस किया, क्योंकि हम बच्चों के अकेले की बस की बात नहीं एक सॉन्ग कंपोज करना, वो भी इतना ब्यूटीफुल. जैसे हमें कार्तिक सर ने थीम दिया और जैसे गाइडेंस किया, उस हिसाब से हमने इस सॉन्ग को कंपोज किया है. तो थैंक यू सो मच कार्तिक सर. और जैसा आपका क्वेश्चन था ये कि हमारे माइंड में उस वक्त क्या चल रहा था, तो एक्चुअली सर उस वक्त हम लोग इमेजिन कर रहे थे कि वो लोग कैसे फील करते होंगे, उनकी सिचुएशन क्या होंगी. तो उन सब बातों को हमने इमेजिन करके हम सभी बच्चों ने टीम वर्क बोलते जिसे एक साथ मिलकर डिसाइड मतलब ये सोचा कि उनका फीलिंग क्या होगा, वो कैसे मतलब एक हाथ पे अपना पार्ट नहीं होता बॉडी का ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं, अगर कैसे मतलब जीते कैसे होंगे, हमें वो मैं इमेजिन करके भी मुझे बुरा लगता है सर. तो वो कैसे मतलब कैसे रहते होंगे, तो वो सब इमेजिन करके माइंड में हम लोग सब मिलकर वो सॉन्ग उनके लिए एटलीस्ट हम उनके लिए एक होप दे सकते हैं. उस सॉन्ग के थ्रू हम लोग उन्हें जीने की होप दे सकते हैं. उनके लिए कुछ करना चाहते थे सॉन्ग के थ्रू हम मतलब मुझे बहुत सर एक्चुअली मेरे पास वर्ड नहीं उनको बताने के लिए, मैं बहुत ऐसा फील कर रहा हूँ. So sweet. Thank you so much, Mangesh. Thank you so much, Mangesh. Every word you said, बिल्कुल आपने दिल से कहा. Thanks a lot. And thanks to the entire team जिन्होंने इतना सुंदर गाना मोहन फाउंडेशन के लिए, organ donation के लिए हमने जो बनाया. Thank you so much. One of the other singers in the song, Manpreet, जो हमारे साथ दो साल से सीख रही हैं, तो वो भी हमसे कुछ कहना चाहती हैं. आइए उनका एक छोटा सा वीडियो देखते हैं. हेलो, मेरा नाम मनप्रीत कौर है. मैं साइन सचखंड दरबार में रहती हूँ. हम गुरुद्वारे में ही रहते हैं. मेरे पापा पिछले 22 साल से गुरुद्वारे में गारंटी रागी की सेवा करते आ रहे हैं. मैं बचपन से ही कीर्तन शब्द करती हूँ. मुझे अपनी वॉइस को ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने शंकर महादेवन अकेडमी ज्वाइन की. इसके चलते मैं IIP इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी. मैं पिछले 2 साल से इस अकेडमी में हूँ. यहाँ पर मैंने हिंदुस्तानी वोकल ज्वाइन किया है. पहले मुझे तार सप्तक में गाने को बहुत तकलीफ होती थी, पर हिंदुस्तानी वोकल ज्वाइन करने के बाद मेरे वॉइस में काफ़ी सुधार आया है. अभी मैं काफ़ी अच्छी तरह से गा पाती हूँ. पहले मैं इतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं थी, पर यहाँ पर मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है. मैंने 2 बार स्टूडियो रिकॉर्डिंग की है, जो कि मेरा सपना था. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी खुद का सॉन्ग कंपोज कर पाऊंगी. तो वो मेरे को अभी रिसेंटली ही इंटरनेशनल इवेंट में सेलेक्ट किया गया, जहां पर मैंने खुद का सॉन्ग कंपोज किया और मुझे ज्यूरी अवार्ड भी मिला. तो
हमें सेल्सफोर्स की तरफ से लायरा एकेजी का माइक्रोफोन भी मिला है, विच वॉज लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू. नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई कैन सिंग इन ऑडियंस टू. दिस वॉज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑल द टीचर्स ऑफ शंकर महादेवन अकेडमी. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द टीचर्स. थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी एंड गिविंग मी सच अपॉर्चुनिटीज. थैंक यू. थैंक यू सो मच मनप्रीत फॉर सच अ हार्ट फेल्ट मैसेज. एंड इनफैक्ट अभी जैसे आपने कहा कि थैंक्स टू ऑल द टीचर्स ऑफ द शंकर महादेवन अकेडमी, तो ये जो हमारा नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला है, यू नो दैट्स अ वे थ्रू विच आर टीचर्स हैव कन्वेड देयर ग्रैटिट्यूड टू द स्टूडेंट्स एंड यू नो हाउ दे हैव लर्नड फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स. हमें लगता है कि सिर्फ स्टूडेंट ही टीचर से सीख सकते हैं, पर टीचर्स भी अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखते हैं. एंड वी आर सो थैंकफुल टू ऑल आर टीचर्स, अभिषेक, अर्चना, अवंती, चिन्मय, देवश्री, संजना एंड संकेत. थैंक यू सो मच. बिकॉज ऑफ यू द अकेडमी वॉज एबल टू इम्पार्ट नॉलेज टू ऑल दीज स्टूडेंट्स ऑफ इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट. इनफैक्ट अर्चना हैज बीन अ टीचर फॉर आई आई पी सिंस इंसेप्शन एंड यू नो शी इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स amongst the students young and old. And Debashree, another teacher who has trained some stars at the Inspire India project, her contribution is invaluable. Her compassion and patience, especially with the senior citizens, makes them bring out their best. So, aaiye Debashree ka ek chota sa message dekhte hain hamare liye. Hi, I am Debashree Dasgupta. My experience of working for Inspire India project was immensely giving, and whereby I could receive a lot, I could learn a lot, and at the same time I could impart with utmost happiness that I had at that time. And at the same time I met some amazing kids, amazing learners from different age groups, starting from maybe 3 years to 85 years. And to see that facing a lot of difficulties in their own lives, still they are pursuing life. It's a very different thing that one can just survive in life, but they are actually living their lives. And music had become one of the most integral aspects of their lives. And they when the lockdown happened, they used to call and ask, "Ma'am, when is it going to start?" And that time, we used to feel that we wish that we could have been there for them in the times when they needed music the most. And they have been performing so well in their schools, in different concerts organized in the city. They have grown a lot. They used to practice, they used to prepare, they used to have that zeal to know, zeal to understand different concepts, different songs. And at the same time, yeah, I would like to mention one experience. I was working with a group of NGO workers, women, who used to come amidst their hectic schedule, and very bright faces, and I used to feel, oh my god, how are they managing everything? But this pull towards Inspire India project, this was the look forward to event of their week. So this is how I understood that if one wants, one can achieve, and Inspire India have been a platform for them which could serve a lot, which could serve beyond their musical needs. They used to learn how to present themselves, how to be on the stage, how to fight the stage fright. So overall, I have been mesmerized and inspired by the Inspire India project. Thank you so much, Debashree, for such a heartfelt message. And like I said before, ki hamare teachers ne their way to show their gratitude to their students is going to be our next song. In fact, we'll be playing two songs back to back.
द फर्स्ट सॉन्ग इज गोइंग टू बी ये तारा वो तारा, जिसकी एक लाइन बहुत ही सुंदर है कि बूंद बूंद मिलने से बनता एक दरिया है, बूंद बूंद सागर है वरना ये सागर क्या है। आई थिंक हमारे इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट के इंक्लूसिवनेस के थीम को बिल्कुल सुंदरता से दर्शाता है ये। और आई मीन इट्स एवरीबडी नोज इट कि हम सब अगर एक साथ हैं तो हम अटूट हैं। तो हमारे टीचर्स को बहुत बहुत बड़ा थैंक यू, बिकॉज ऑफ देम वी हैव बीन एबल टू इम्पार्ट नॉलेज to all the students of Inspire India Project. Thank you so much, teachers. And उसके बाद जो हमारा अगला गाना होगा उसमें हमारे सारे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर ऐसा गाना गाएंगे जो शंकर जी के भी दिल के बहुत करीब है। इनफैक्ट हमारे कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स ने इस गाने को ओरिजिनली ओरिजिनल साउंड ट्रैक में भी गाया है। तो वो आर्टिस्ट होंगे हमारे चिन्मय, प्रणव, परिणीता, वेदांत, निषाद, समृद्धि, आराध्या, प्रतीक्षा, हिमेश, भक्ति, यशिका, तिथि, आदर्श, और उन्हें ज्वाइन करेंगे त्रुषिता, सरिका, सुयाश, खुशी, विश्रांति, भूमिका, विशाखा, प्राची, दीक्षा, सुमित्रा, प्रमीला, कल्पना, सुरेखा एंड स्मिता। सो लेट्स हैव बोथ द सॉन्ग्स ये तारा वो तारा फॉलोड बाय ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। साथ में जो है रात में तो जब मगाया आसमान
की जय सच अ सोल स्टरिंग सॉन्ग बाय शंकर एहसान एंड लॉय सर. थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. मतलब अंदर तक एकदम टच कर जाता है. द क्रेडिट आल्सो गोस टू गुलजार साहब फॉर राइटिंग इट सो ब्यूटीफुली एंड मेघना गुलजार फॉर पिक्चराइजिंग इट एंड ऑल आवर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दे परफॉर्मड सो ब्यूटीफुली. Absolutely. Before I request Shankar ji to conclude this program with a song, I'd like to thank first and foremost the legend Asha Bhosle ji ki unhone itna sara time apne schedule se nikala aur hame bless kiya, academy ko bless kiya. It really means a lot to us. Thank you so much Asha ji for joining us today. I'd like to thank our very own Shankar ji, Sangeeta ma'am, Sridhar sir, Deepa ma'am, Deepika ji from Tata Trust and the entire team of Tata Trust, Mr. Ashutosh Goyal ji, Ritika Madan and the entire team of Inspire India Project, sare teachers, sabhi students, Arvind Kamat ji, Raju Pradhan ji, all the trustees from the DS High School, Nitin Kumawat ji, Janki Hari ji, Uma Venkatachalam ji, Surendra Sharma ji, hamare SMA team se Deepak, Albin, Jose, Saurabh, स्मिता कृष्णन सर, थैंक यू सो मच. और हमारी ऑडियंस जो इतनी देर से हमारे साथ जुड़ी हुई है फेसबुक पर, थैंक यू सो मच एवरीबडी. आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपने इंस्पायर इंडिया प्रोजेक्ट के इतने सारे स्टूडेंट्स टीचर्स सबका परफॉर्मेंस देखा और जिन्होंने दिल खोलकर डोनेट किया उनको भी बहुत बहुत बड़ा थैंक यू. थैंक यू सो मच एवरीबडी. थैंक यू कार्तिक, बिग वेव टू कार्तिक. थैंक यू सो मच सर. So Shankar ji, I think it's all yours now. We are all waiting to listen to a song. I'd like to say one thing that Sridhar and I, when we started this academy, Sridhar always says one terminology called crawl, walk and run. That is the that's what we have always adopted, that start off slowly, build and see where it's reached now. Today it's a very, very, it's a milestone today that, somebody like an Asha Bhosle has come and she's blessed us. The blessings can't get bigger than this. And all the teachers, all the students,
And the fact that, you know, we have taken music beyond just entertainment, you know, music is not only for entertainment. It's got a bigger purpose, and we are unveiling its various purposes in various, you know, in the 10 for 10 program. So today we've unveiled the first kind of layer, that is the Inspire India project, where, you know, we have taught music to children and people who probably cannot afford to learn music in a reputed institution. And we've reached out to, you know, thousands and thousands of these students. And, you know, hamara jo manzil hai, wo lamba hai, and then we have started the journey. So we have to achieve our goal of teaching music to all those people who want to learn. So here. रास्ता है तेरा तुम्हें अब जाना है हाँ यही सपना है तेरा तुम्हें पहचाना है तुझे अब ये दिखाना है रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य को हर हाल में पाना है लक्ष्य को हर हाल में पाना है लक्ष्य को हर हाल में पाना है Wow, definitely sir, with all the blessings, aapki blessings, Asha Bhosle ji ki blessings, sare badon ki blessings ke saath, definitely SMA Laksh ko zarur payenge, hum sab milkar. Thank you so much, Shankar ji. In fact, main request karunga, jitne bhi log abhi hamare saath hai, please apna video ek bar, agar aap unmute kar sakte hain, sound nahi, video, aur sab ek saath, क्योंकि आई नो हम लोग सब डिजिटली अभी कनेक्टेड है सब एक साथ अगर वेव कर सके तो आई थिंक दैट विल बी सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट यस नहीं मेरे मेरे पास एक आइडिया है कार्तिक सब लोग अपना माइक्रोफोन्स अनम्यूट कर दो और लेट्स हियर अ चीयर फॉर शंकर महादेव एकेडमी कम ऑन सब लोग अनम्यूट कर दो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओके ओके क्या होगा कम ऑन एवरीबॉडी अनम्यूट योर माइक सभी लोग यस अनम्यूट कर दीजिए यस लेट्स हियर चीयर 1 2 3 Yes.